क्या चल रहा है सर? मतलब क्या कर रहे हो आप आजकल? मतलब हाउ आर यू? मैं जनरली पेंटिंग ही करता हूँ। मेरा फोकस तो पेंटिंग पे रहता है, बट पेंटिंग पूरे टाइम होती नहीं है। कुछ सोचना होता है और मतलब कलर वलर सूखने होते हैं, कई बार कंफ्यूजन्स होते हैं, तो मैं छोड़ के फिर वीडियो पे लग जाता हूँ। जी, पहले तो सर मतलब थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, मतलब इट मीन्स अ लॉट टू मी। और मैं ना मेरे लिए बहुत ऑनर का विषय है एक्चुअली। मेरी एज पे मत जाना। जी मेरा जी जी मैंने पेंटिंग जो है सीरियसली जो स्टार्ट करी है वो 2003 में स्टार्ट करी है। जी मतलब मैं पेंटिंग में रहा हूँ, आर्ट टीचर रहा हूँ, बुक्स थी, सब कुछ है। पेंटिंग का शौक था, पेंटिंग की वर्कशॉप उस टाइम वगैरह के साथ अटेंड करी, सब रहा। लेकिन जिसे कहते हैं फुल टाइम पेंटर, या राइट 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 पेंटिंग एक पैशन के हिसाब से फॉलो करना। इनफैक्ट मैंने बाल भवन भी इसीलिए छोड़ा था कि मैं पेंटिंग को फॉलो करूंगा, अगर नहीं करा तो इस उम्र में, अब जो एज है इसमें मेरे को फ्रस्ट्रेशन आएंगी और वो ज्यादा बढ़ पड़ेगी। इस चक्कर में मैंने छोड़ दिया था बाल भवन, लेकिन बाल भवन जी, एक गवर्नमेंट जॉब थी। आपने नेशनल बाल भवन की बात करी ना, मैं आपके बारे में अभी पढ़ रहा था, कुछ इंटरव्यूज भी मैं देख रहा था। दो सिमिलैरिटीज मेरे को लगी हैं आप में और जो मेरे साथ में भी है, वो जो चीज आपने नेशनल बाल भवन का नाम लिया, तो आप वहां पे इंस्ट्रक्टर थे, टीचर थे। मैंने बहुत छोटे थोड़े समय के लिए नेशनल बाल भवन, जब मैं छोटा था, मैंने ज्वाइन किया था, शायद एट्थ या ईयर नाइन्थ, बताओ। मेरे को एग्जैक्टली ईयर तो अब मेरे को याद नहीं होगा, वो मैं पुराना, अगर मुझे कुछ मिल गया डॉक्यूमेंट तो ही पता लगेगा, मतलब मैं सिर्फ आपको नहीं, बता रहा। जी मैंने बाल भवन 2003 में छोड़ दिया था एक्चुअली। हाँ, तो उसके बाद ही मैंने और ज्वाइन किया तुम था, उसके और बाद ही है, आपने उसके अगर बाद ही है। ज्वाइन किया होगा, हाँ तो आपने ज्वाइन किया होगा तो आशीष रहे होंगे आपके टीचर, आशीष नहीं उतना भट्टाचार्य। तो सर मेरे को याद नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, मैं वही आपको बता रहा था कि मैं ना, मैंने ज्वाइन किया, और मैंने आर्ट के लिए ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे। समर जो वेकेशंस होते थे ना, वहाँ क्रिकेट भी नहीं, सिखाया अच्छा जाता था। क्रिकेट में गए थे। हाँ, मैंने क्रिकेट के लिए किया, लेकिन उस टाइम पे क्या, बचपन में मैं बहुत थोड़ा शर्माता था, इंट्रोवर्ट कुछ ज्यादा ही था, तो मैं मतलब ज्यादा दिन वहां पे जा ही नहीं पाया। कुछ दिन गया, और जाता भी मैं किसी और के साथ में था, एडमिशन तो मेरा करवा दिया था घर वालों ने, किसी और के साथ जाना, और वो मुझसे हो ही नहीं पाया। तो कुछ दिन मैं गया और फिर मैं हेजिटेशन में मैंने छोड़ ही दिया। तो एक वो फिर भी, लेकिन बाल भवन की बात आई तो मेरे को इतना एक वो चीज याद आ गई। और आपने जो स्कूलिंग करी है वो दरियागंज में करी है, रामजस में? हाँ, मैं रामजस से था। रामजस से पहले मैं हाँ बोलो बोलो। मैं डीएवी में था सर, आपके पास पास ही। डीएवी से पढ़े हुए हो? बिल्कुल सर, मेरे पड़ोसी थे, मतलब बिल्कुल सर, मैं वही बाद तो, में मैंने रहे लेकिन पड़ोस पढ़ा हुआ। तो तुम्हारी मैं वही रिहाइश जब कहाँ की है? मैं सर, यहाँ मतलब ओल्ड दिल्ली पास में ही है, आपने इधर भजनपुरा सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली साइड में पड़ता है। हाँ, वो ओल्ड दिल्ली नहीं है। नहीं, वो ओल्ड दिल्ली नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ओल्ड दिल्ली पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, घूमना हाँ, फिरना उधर चलता रहता है। मैं ओरिजिनली ओल्ड दिल्ली से। अच्छा, दरियागंज में ही आप थे क्या, दरियागंज चांदनी चौक? मतलब दरियागंज चांदनी महल का एरिया है वो। चांदनी महल तुर्कमान गेट का अच्छा एरिया है। तुर्कमान गेट गोलीकांड सुना होगा तुमने कभी, 77 के आसपास कभी हुआ था। जी, तो मैं उसी उसी एरिया को बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली। अच्छा। हाँ, मुझे वो एक सिमिलैरिटी मिली तो मुझे लगा मैं शायद आपके साथ में ये चीज शेयर करूं कि हाँ, एटलीस्ट उस नहीं, मामले ये में। अच्छी बात है। बाल भवन जो है इस वंडरफुल इंस्टीट्यूशन फॉर दी चिल्ड्रन, स्टाफ का मैं नहीं कुछ कहता हूँ, लेकिन बच्चों के लिए तो जन्नत है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको बाल भवन जरूर जाना चाहिए समर वो समर्स में ही ओपन होता है मेरे ख्याल में, कुछ महीनों के में। लिए शायद। मैं बाल भवन का प्रोडक्ट हूँ तुम्हें बताऊँ। एक्चुअली मैं जी 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 स्टूडेंट एज स्टूडेंट ज्वाइन किया था मैंने अच्छा व्हेन आई वाज इन 7th क्लास। फिर वो 7th से पेंटिंग का इतना पैशन था कि मैं मतलब पेंटिंग सेक्शन ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां से 2003 में रिटायरमेंट ली है प्री मैच्योर। अच्छा तो जी ये सोच लो 7वीं क्लास से मैं 2003 तक रेगुलर था बाल भवन। ओ, इतना पैशनेट था पेंटिंग को लेके, मतलब और फिर आज वॉलेटर भी बने, फिर समर इंस्ट्रक्टर बने, फिर पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर बने। 79 में आई गॉट द जॉब, आई वाज 19 दैट टाइम। उस वक्त वो मतलब वो क्या हुआ, बॉय लीडर थे, तो बॉय लीडर इज लाइक मॉनिटर्स ऑफ द क्लास। राइट 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 राइट
तो हमें, तुम अगर समर में ज्वाइन किया होगा तो तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे समर में बॉयलीटर्स होते थे, क्रिकेट में भी, स्पोर्ट्स जी जी में भी होते थे, तो इस वक्त तो इनको ज्यादा मिलते थे जब तुमने ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया था, आई यूज टू गेट 50 रुपीज पर मंथ, ओके जी तो 50 रुपये भी बहुत होते थे। फिर वो 2 साल चला, 2 साल समर में ही रखते थे वो, 2 साल 50 रुपीज लिए, फिर समर इंस्ट्रक्टर बना। देन आई यूज टू, समर इंस्ट्रक्टर इज दैट, आपके साथ समर में इंस्ट्रक्टर रहते होंगे वहाँ पे, जो जी जी समर जी इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो उनको उस 100 रुपये मिलते थे इसको। अच्छा देन उसके बाद मैं जब 79 में कॉलेज ज्वाइन किया, रामजस में गया, तो इट वॉज ईयर ऑफ द इंटरनेशनल चाइल्ड, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड, इंटरनेशनल 1979 यूनिसेफ का प्रोजेक्ट था। राइट उसमें बाल भवन स्टार्टेड 10 ऑफिस केंद्र, 10 ऑफ इट्स ब्रांचेस, तो सरोजनगर वॉज द सेकेंड ब्रांच ऑफ बाल भवन। इट इज दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड बाल भवन केंद्रास। राइट तो मुझे सेकंड में, आई वाज द सेकंड पर्सन टू बी अपॉइंटेड। अच्छा सबसे पहले नबी करीम खुली थी, नबी राइट करीम इज इन पहाड़गंज, उसमें एक मिसेस शीला कॉल होती थी, शी इज नो मोर नाउ, तो जी 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 वो फर्स्ट टीचर थी। सेकंड मैं था, जो इंडियन, उसके बाद थर्ड में सर सतीश थे, और फिर वो बढ़ता रहा, प्रोजेक्ट आगे चलता रहा। देन आई वाज प्रमोटेड टू सुपरवाइजर इन 1983, 79 ओके से 83 पार्ट टाइम करा। पार्ट जी टाइम के बाद देन आई वाज प्रमोटेड टू 83, इट वाज अ रेगुलर जॉब। फिर उसके बाद 83 से 88 में आई वाज अपॉइंटेड आर्टिस्ट पब्लिकेशन, आई वाज शिफ्टेड टू पब्लिकेशन सेक्शन ऑफ द बाल भवन। देन उसके बाद देन आई गॉट प्रमोशन एज मैनेजर पब्लिकेशन। देन 2003 आई थॉट कि यार मैंने जिंदगी में खेला कूदा कुछ नहीं है, मतलब 19 साल की उम्र से एक बंदा जॉब पे लग गया और सीरियसली काम कर रहा है, तो मुझे लगा मैं जिंदगी कब जीऊंगा, मतलब एज एन आर्टिस्ट दिमाग में आया। क्योंकि हाँ, गरीब घर से थे तो पैसे की हाँ रिक्वायरमेंट थी। मैं वही वही आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे आपने बोला ना 19 साल से आप जॉब पे लग गए थे, तो ये सिर्फ पैशन की वजह से ही था या मैं वही पूछने वाला था कि फैमिली के इश्यूज की वजह से भी आपने वो स्टार्ट कर दिया था। नहीं, फैमिली ने कभी मुझसे ये नहीं बोला तुमने जॉब करनी है, कभी हमें कंस्ट्रेंट्स उन्होंने दिखाए नहीं। लेकिन देखो, हम दो भाई हैं, मैं जो हूँ, आई वाज ऑब्जर्वेंट बीइंग आर्टिस्ट, मेरी सेंसिटिविटी ज्यादा थी, मैं घर की सारी सिचुएशन को समझता था, और मैंने 8वीं क्लास से ही समझना चालू कर दिया था। तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने 8वीं क्लास से ऑड जॉब स्टार्ट कर दी थी, लेकिन शौकिया, ना पेरेंट्स ने कभी बोला, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, ना मेरी मदर बहुत इंटेलिजेंट थी, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन दिमाग में एक रहता था कि पैसा मिल रहा है तो यहाँ से कुछ काम कर लो। तो हालांकि होशियार था, पढ़ता रहा, साइंस थी मेरे पास, जो आपके अब तो सीनियर सेकेंडरी है, तब आइस कैंडी होती थी, जी। पढ़ने में ब्रिलियंट था। 9th क्लास में साइंस मिलती थी, 9th 10th 11th मैंने साइंस से की हुई है, 11th इज हायर सेकेंडरी। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिए थे, फादर ने कहा कि हमारे लिए मुश्किल है, तेरे को साइंस आगे परस्यू कराना, तो तू देख ले क्या करना है। देन पढ़ने का शौक था तो कॉलेज तो मैंने छोड़ा नहीं, इवन कॉलेज ऑफ आर्ट मना कर दिया था बाबूजी ने, कि भाई किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया कि 200 रुपये पर मंथ का खर्चा है। मेरे को बाल भवन से बोला गया था कॉलेज ऑफ आर्ट जाना है, लेकिन फादर ने कहा कि वी कांट अफोर्ड बियर दिस एक्सपेंडिचर, दे कांट अफोर्ड इट। तो फिर मुझे, मैंने कहा कॉलेज तो भी जाना है, पढ़ना तो मुझे है, तो मैं फिर सीधा दयाल सिंह में गया था। दयाल सिंह से मैंने माइग्रेशन लिया था आर्ट के बेस पे रामजस में। अच्छा ओके और वो भी एक कहानी छोटी सी है कि दयाल सिंह में जब थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड होता था दलीप, अभी भी है दलीप, तो हम लोग जहाँ जिन फेस्टिवल्स में जाते थे तो हमारे प्राइजेज आते थे, तो बहुत मशहूर था मैं कि जोएल आया हुआ तो मतलब प्राइज तो गया करके। ये हाल था हमारे टाइम का। अगर मेरे टाइम के, मेरी एज का कोई आर्टिस्ट जो जुड़ा हुआ होगा इससे या कोई देखेगा तो वो वो जानता याद होगा करेगा इस बात, जानता होगा। तो सेंट स्टीफन में जब एक कंपटीशन चल रहा था तो लड़कियां आई दो LSR की, तो उनमें से एक ने कमेंट किया, वर यू बॉर्न विद अ ब्रश इन योर हैंड, मतलब बोलते ना राइट गोल्डन राइट स्पून राइट लेके पैदा हुआ है, तो कहते तो ब्रश लेके पैदा हुआ है। और मैं इतना मशहूर था कि रामजस वालों ने मुझे बोला, रामजस का जो आर्ट की सोसाइटी थी जिसमें म्यूजिक, आप मुकुल वर्मा को जानते होंगे अगर आपने देखा हो, मुकुल वर्मा वॉज दी हॉस्ट ऑफ
दूरदर्शन मॉर्निंग प्रोग्राम, ब्रेकफास्ट टीवी आता ना कभी दूरदर्शन के टाइम में, आप बहुत छोटपन में अगर देखा होगा आपने तो देखा हो, अच्छा जी, मुकुल वर्मा ने बाद में एक मूवी वगैरह एक बनाई है शायद, और वो फिर अभी भी बॉम्बे में है वो, तो मुकुल मुकुल संजय संजय शर्मा, रवि और देवा, हर्ष, ये सारे ना अलग अलग स्ट्रीम से थे, कोई तबले में मास्टरी थी किसी की, कोई गाने में मास्टरी थी, कोई क्लासिकल गाता था, आशीष घोष था तबलिस्ट था वो, तबला तरंग वो मुझे उसमें मुझे मुझे उनका, इरफान मुझे इरफान जी याद है, जो गुफ्तगू नाट आता था एक एपिसोड जिसमें इंटरव्यूज लेते थे, वो राज्यसभा टीवी पे आता था लेकिन वो। नहीं वो नहीं ध्यान मेरे को, जी, इरफान अगर आप कार्टूनिस्ट की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे मिला हुआ, लेकिन और दूसरे इरफान को तो नहीं जानता हूँ किसी को, तो वो जर्नलिस्ट। ये जो ग्रुप था इन्होंने मुझे कहा कि तू हमारे साथ आ जा रामजस में, दे इनवाइटेड मी। हुआ क्या कि बिट्स प्लानी जो था, एलीट कंपटीशन होता था नेशनल, बिट्स प्लानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेज करके पिलानी राजस्थान में है, ठीक है अभी भी है वो, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते थे, जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और जे स्कूल बॉम्बे, इस तरह के सारे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते थे, लेकिन दयाल सिंह जो था थोड़ा सा बैड रेप्यूटेड था, तो दयाल सिंह में उनका इनविटेशन नहीं आता था। अब दयाल सिंह में इनविटेशन नहीं आता तो आई कांट गो, बिल्कुल आई कैन कुडंट पार्टिसिपेट इन दैट फंक्शन दैट फेस्टिवल, तो मुझे पता लगा रामजस की टीम जाती है, देन आई टॉक टू दी रामजस पीपल कि अभी क्या मैं आ सकता हूँ जैसे आप बोल रहे थे, तो कहने लगे आ जा हम तो तेरे को ले जाएंगे, एंड यकीन करो अब मेरा माइग्रेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, एंड आई पार्टिसिपेटेड इन बिट्स प्लानिंग देयर फ्रॉम रामजस टीम, एंड 2 साल पार्टिसिपेट किया, माइग्रेशन हो गया था उसके इमीडिएट बाद, 2 साल पार्टिसिपेट किया, 2 साल हम ओवरऑल ट्रॉफी लेके आए थे बिट्स प्लानिंग से, रामजस की टीम इतनी स्ट्रांग थी, और वहीं से नहीं पार्टिसिपेट उठा के लाए थे हम ट्रॉफी, क्रोडीमल हिंदू कॉलेज, LSR, इंद्रप्रस्था, आईपी कॉलेज, सबकी ट्रॉफीज उठाई थी हम, मतलब हमारी जो टीम थी, जो इंग्लिश वाले थे, जो मतलब डिबेट्स वगैरह पार्टिसिपेट करते थे, जो म्यूजिक में आर्ट में मैं था, और मेरा अच्छा कंट्रीब्यूशन होता था इसमें, जी, मतलब आर्ट के 5 कंपटीशन हो गए थे वहाँ पे बिट्स में, तो वो जो कोलाज का वो अलग है, स्कल्पचर का अलग है, स्केचिंग का अलग है, पेंटिंग का अलग है, पोस्टर मेकिंग का अलग है, तो मुझे याद है कि मेरे स्केचिंग में फर्स्ट प्राइज था एंड कोलाज में सेकंड था, तो ये अच्छा 2 प्राइज मेरे आए थे, पोस्टर वगैरह में तो नहीं आया था जी, लेकिन इन 2 में प्राइज आए थे मेरे, तो ये इसके मार्क्स होते थे, पार्टिसिपेशन मार्क्स होता था 2 नंबर पार्टिसिपेशन के और फर्स्ट प्राइज के इतने मार्क्स, तो पार्टिसिपेशन में पांच पांच जगह पार्टिसिपेट कर लिया तो 10 मार्क्स वैसे हो गए, तो इस तरह टीम जो थी हमारी बहुत सॉलिड थी, एंड 2 बार हमने ओवरऑल ट्रॉफी उठाई, वो जी। अच्छे अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छा टाइम था मेरा। और क्या सर, कहीं ना कहीं आप अभी भी जुड़े हुए उन सब चीजों से, या आप जैसे आप कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे हो उस टाइम पे इतने होते थे, ये क्या आज भी होते हैं रेगुलर बेसिस में, या अब क्या कुछ चेंज आया है? फेस्टिवल्स तो अभी भी है, मेरा बेटा जब कॉलेज में था तो ही यूज्ड टू गो फॉर पार्टिसिपेशन, लेकिन वो तो पंग जैसे हंसी क्या कहते हैं उसको, नाइट्स होती हैं, म्यूजिक नाइट्स होती हैं म्यूजिकल नाइट्स, और हाँ जी, दूसरे एंजॉय करने जाते थे वो, राइट, तो वो जाता था वो, लेकिन होता है पार्टिसिपेशन, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता उसमें, जी, बट मैंने एक आध जगह पे कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ, मैंने जजमेंट के लिए बुलाया गया तो मैं गया था, बाकी जजमेंट के लिए तो मैं जाता ही हूँ अभी भी जाता हूँ, इनफैक्ट अभी जी रिसेंटली मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के जजमेंट्स करे हैं, कुछ बच्चों से रिलेटेड है, और पैनल पे था मैं, CCRT पैनल पे था, NCERT पैनल पे था, और ऐसे तो बहुत सारे जजमेंट किए हैं, बाल भवन में भी जजमेंट किए हैं, तो वो होती जाती है, एक टाइप पे सीनियरिटी आती है, तो योर कॉल्ड, और जिसके जैसे लिंक होते हैं, मेरे को कोई बुला लेता है, नहीं बुलाता ये रहता है। राइट। और जैसे सर अभी आप अपने मतलब फैमिली का और बचपन के बारे में बता रहे थे कि आप पढ़ाई में अच्छे थे और एकेडमिक्स के मामले में आप ठीक थे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत बार कहा जाता है ना कि अगर कोई नालायक है और अगर कोई होशियार है, तो ये मतलब ये क्लियर डिस्टिंक्शन तो ये किया जाता है कि जो नालायक है उसको थोड़ा बुरे उसमें देखा जाता है, होशियार को थोड़ा अच्छे उसमें देखा जाता है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो होशियार या जिसको इंटेलिजेंट मानते भी, उनके साथ में एडिड प्रेशर रहता है कि फिर उनसे सिर्फ जो उम्मीद की जाती है वो सिर्फ पढ़ाई और एकेडमिक्स की जाती है,
अगर आप स्पोर्ट्स में या किसी और चीज में जाने की बात भी करेंगे तो फिर घर में एक थोड़ा टेंशन सा हो जाता है। क्या आपके साथ में भी ऐसा था? मेरे को, मैं एक्चुअली हमारी हमारे टाइम में ना 5th क्लास जो होती थी बोर्ड होती थी, जी 5वीं क्लास में बोर्ड का पेपर होता था, जी 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 5वीं 8वीं और 11वीं। तो 5वीं क्लास में बोर्ड में मेरे मैथ में 100 में से 95 मार्क्स आए थे, 95 मार्क्स। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं इस लेवल पे ब्रिलियंट था। मैथ आज भी मेरा ऐसा है कि मैं सुदूकू के बगैर काम नहीं चलता। लेकिन जी मैं जी जी इसमें एक दो बातें बताता हूँ। एक तो मेरे पेरेंट्स को ये पता था कि होशियार है, वो मेरे को कभी पढ़ने के लिए बोलते ही नहीं थे, कभी नहीं बोलते थे। तो मैं मतलब पढ़ लिया पढ़ लिया, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, खेलता कूदता बहुत था, पढ़ाई में मेरा कोई मन नहीं लगता था। इतना था कि जैसे कल पेपर है, गए एक की बुक्स आती थी, कुंजी बोलते थे राइट उनको, राइट गाइड राइट बुक, राइट राइट वो लाए, पढ़ लिया, पेपर दिए, पास हो गए। पास हो गए। कभी हमारे टाइम में ये फोकस नहीं था कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे टॉप करना है, कोई फोकस नहीं था। जो लोग इस ग्रुप के थे, मैं रामजस में पढ़ता था, रामजस में बहुत सारे बिजनेसमैन के बच्चे आते थे, अगर स्लैंग लैंग्वेज में बोलो तो बनियों के बच्चे आते थे। बनियों से जी मेरा जी जी मतलब है वेल टू डू फैमिलीज हु वेल हैज टू डू देयर फैमिलीज, ओन सोर्स ऑफ रिसोर्सेज इनकम। वगैरह जहाँ पे। हाँ और अच्छा, जहाँ हम गरीब थे, हमारे पास शूज भी नहीं होते थे पहनने के लिए, बुला के 2 बार फादर को बोला कि ये सैंडल पहन के आता है करके। तो पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट था। अब ये समझो बात को जो अभी आपने बोली थी, ये सेम मेरे साथ में उस है सर, ये बहुत इंट्रोवर्ट, इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं जरूर हाँ सुनना चाहता हूँ। इंट्रोवर्ट था, मैं बैक बेंचर हो गया। जो क्लास में टॉपर था 5th क्लास में, आई वाज रैंक्ड 4th इन द क्लास, 4th या 3rd। तो राइट मुझे रामजस में जब मैं गया तो मेरे उन्होंने इमीडिएटली एडमिशन, रामजस वॉज द एलीट स्कूल, रामजस में एडमिशन आसान नहीं था, मुझे आज का पता नहीं क्या पोजीशन है। उस वक्त रामजस वॉज द एलीट स्कूल, लाइक पब्लिक स्कूल, राइट वो राइट इतना राइट बड़ा सिस्टम था। तो उन्होंने मेरे को देखते ही उन्होंने कहा इसको एडमिशन दे देंगे, ब्रदर को मना कर दिया। ब्रदर की भी बाउजी चाह रहे थे कि बाउजी बाउजी मीन्स माई फादर चाह रहे थे कि फादर फादर दोनों भाइयों को इकट्ठा हो जाएगा। जी जी तो जी भाई के मार्क्स कम थे, भाई को नहीं दिया उन्होंने, और मुझे उन्होंने मार्क्स वो दे दिया। भाई 8th में ट्राई कर रहा था, मैं 6th में ट्राई कर रहा था। 5th क्लास तक मैं पॉलिटेक्निक स्कूल है ओल्ड दिल्ली में, क्रिश्चियन स्कूल है, तो वहां से पास आउट था। तो मुझे एडमिशन मिल गया, लेकिन उसके बाद वहां का सिस्टम जो था ट्यूशन बेस्ड था, स्कूल में पढ़ाते ही कोई नहीं था, सब टीचर्स ट्यूशन पे पढ़ाते थे। अब हमें ट्यूशन कहाँ से अफोर्ड करते, मैं बैक बेंचर होता चला गया, पढ़ाई में पिछड़ता चला गया। राइट लेकिन ऐसे नहीं पिछड़ा, बस ये है कि जो फर्स्ट सेकंड की पोजीशन थी वो खत्म हो गई। 8th में आके थोड़ा सीरियस हुए, अच्छे मार्क्स आ गए, तो साइंस मिल गई। साइंस भी मार्क्स के बेस पे जैसे अब मिलती है वैसे भी मिलती थी, साइंस ऑटोमेटिक सिस्टम में मिल गई तो ले ली साइंस। अब बात यह है कि हमारे टाइम में पढ़ाई का प्रेशर नहीं था, मेरे से पढ़ाई की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पेरेंट्स ये चाहते थे कि मैं, मेरा एक इंटरव्यू छपा था, एक मैगजीन निकलती थी वीकेंड रिव्यू वगैरह, कोई हिंदू नहीं, मैं हंसराज कॉलेज में था, कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहा था, एक लड़का होता था वेंकटेश करके, ही वॉज जर्नलिस्ट फॉर स्टूडेंट जर्नलिस्ट फॉर वीकेंड रिव्यू काइंड ऑफ अ मैगजीन। जी 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 उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो उसकी मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, मैं पता नहीं कब से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा बुक का कि वो मैगजीन क्या होती थी। हो सकता है कि उसमें मिल जाए जो पब्लिशर होगा, जैसे वो हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह किसी की मैगजीन है वीकेंड, तो खैर वो नहीं मिली, तो नहीं नाम दिमाग में आया, मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाया हूँ। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर। राइट तो मैंने उसको बोला कि एक क्लैरिकल जॉब बैंक में मिल जाएगी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे उस वक्त ये दिमाग में नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा, ना आर्ट मेरी डेस्टिनी मेरे दिमाग में थी, ना मैं आर्ट आर्ट में ऐसे आया कि मुझे आर्ट फॉलो करना है। राइट लेकिन आई वॉज डेस्टाइंड, मैं जब मेरे को मुझे पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर बाल भवन में लगा, उसके बाद मैं आर्ट से ऑटोमेटिकली जुड़ गया। आर्ट तो छूट गया, मेरे फादर ने मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट आने से मना कर दिया था, पढ़ाई में ज्यादा वो था क्रेज था। मुझे भी ये था कि मैं पढ़ के मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में क्लरिकल में चला जाऊंगा, मैंने एक बार टेस्ट भी दिया है इसका, बैंकिंग का, राइट ठीक है। तो ये सब चल रहा था, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली बैंक उसमें आर्ट में आता चला गया। उसके बाद जब क्योंकि मुझे कमाने का बहुत शौक था, घर में लगता था कि पेरेंट्स की हेल्प करनी है, भाई नहीं था ऐसा, बड़ा भाई था मेरे से 3 साल बड़ा,
लेकिन मेरा फोकस ये रहता था कि मैं किसी तरह कोई छोटी सोर्स ऑफ इनकम बना लूं, एक अवेयर था इस चीज का कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड निकला कि कॉमिक्स बनाने के लिए इलस्ट्रेटर चाहिए, जी, वर्मा पब्लिकेशंस करके था। वहां पहुंच गए, वहां जाके झूठ झूठ बोल दिया, हाँ जी एड एजेंसी वगैरह। मैं उस वक्त समझ आ गई थी बहुत चीजों की, एड राइट, एजेंसी में एड स्कोपर करके, मेरा फ्रेंड जो दलीप है वो एड स्कोपर में लगा हुआ था, उसी ने मुझे बोला था कि जो तेरी फिगरेटिव बहुत आर्ट बहुत बढ़िया है, तू इलस्ट्रेटर की उसमें चला जाए। मैंने उसको बोला था कि मुझे भी लगवा दे कहीं पे एड एजेंसी में, तो उसने मुझे कहा कि तू किसी उसमें चला जा, इलस्ट्रेशन के लिए चला जा। तो न्यूज़पेपर में इलस्ट्रेटर का आया तो चले गए। तो जी मैं आर्ट इलस्ट्रेशन करने लगा, पूरी पूरी कॉमिक्स बनाने लगा, 13 कॉमिक्स करके करीब बनाई है। तो जी उससे मेरा हाथ जो था फिगर में और स्ट्रांग होता चला गया। आप सोचो कि वो एक पेज के ऊपर 6-7 फ्रेम होते हैं, 32 पेज की कॉमिक्स होती है, जी और सारा मैनुअल काम होता था, सब कुछ नहीं था, कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था, कलरिंग वेल्डिंग जो है स्क्रीन वगैरह सब फोटोस्टेट पे लगाते थे। जी तो होते होते मेरा फिगर बहुत स्ट्रांग होता गया। बाल भवन में फिगर मेरी स्ट्रांग थी थी, लाइन बहुत स्ट्रांग हो गई, लेकिन आर्ट का तब भी दिमाग में नहीं था, पेंटिंग का नहीं था। जब मैं राइट बाल भवन में आया, बाल भवन से मुझे लगा, बाल भवन में क्या हुआ, जो मेरी डायरेक्टर थी मिसेस सेठ, पद्मा सेठ, जी जो इंट्रोवर्ट मेरा सिस्टम था, मैं बैक बेंचर था, उसने मुझे मौके देने चालू किए। वो जब मैं पार्ट टाइमर था वो मुझे कहीं भी खड़ा कर दिया करती थी, यू स्पीक। अब राइट वो ऑन द स्पॉट यू स्पीक मतलब फिर बोलना है, फिर बच्चों के साथ मिलते मिलते, मैं कब बैक बेंचर से फ्रंट रनर हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सारे कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो गए। आज भी मेरे कॉम्प्लेक्सेस हैं, आज भी मैं बहुत जगहों पे भागता हूँ, जी मतलब जी जी कट जाता हूँ, मुझे लगता है कि समझ रहा नहीं हूँ सर। नहीं होगा। आपके केस में भी अगर आपकी इंट्रोवर्ट नेस खत्म हो गई होगी, आप कई जगहों पे फिर भी महसूस करते होंगे कि नहीं यार यहाँ नहीं बोलना, यहाँ हाँ मैं हाँ बात नहीं सर कर सकता। बिल्कुल, वो अब मेरे को तो लगता भी नहीं कि वो कभी शायद पूरे तरीके से खत्म होती भी होंगी, ये चीजें रहती हैं कुछ नहीं हद तक। खत्म होती, मतलब 400 बच्चों की एक साथ क्लास ली हुई है मैंने, और नॉन स्टॉप बोला हुआ, नॉन स्टॉप मेरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, मेरे बहुत मजे से लोग सुनते हैं, मेरे पास मटेरियल बहुत होता है बताने के लिए, टीचर रहा हूँ पूरी दिन, पढ़ने में बहुत होशियार था, पढ़ता बहुत था, अभी भी पढ़ता बहुत, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया वीडियोज की वजह से, फेसबुक वगैरह की वजह से, वीडियो में चल जाता है, यूट्यूब देख जी लो या नेटफ्लिक्स देख, अदरवाइज मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। उससे थोड़ा सिस्टम खत्म हुआ। मुझे लगता है कि सब बच्चों को बाल भवन जाना चाहिए, बाल भवन एक ऐसी संस्था है जो आपको बनाती है। इनफैक्ट जब मैं टीचर था मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आए जो बच्चों को, जो बच्चे इंट्रोवर्ट थे, हम न्यूज़पेपर निकाला करते थे, मैंने जर्नलिज्म भी किया हुआ भारतीय विद्यमान से, तो जी, मैंने पढ़ा। 2000 में हमने न्यूज़पेपर निकालना चालू करा, तो बच्चों के साथ हम टॉक शो करते थे, हर वीकली एक दिन सब बैठते थे, उनको ओरिजिनली एक टॉपिक देना होता था, जो टॉपिक उनको ऐसा देना होता था जो आपस में झगड़े हैं, जैसे जी 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 मैं बताऊं अब हिंदू मुस्लिम तो उस वक्त होता नहीं था, तो जी 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 होता ये था कि भाई हु इज बेटर गर्ल और अ बॉय, अब राइट लड़कियां एक साइड ही आती थी, लड़के, और फिर वो सब बोलते थे। एक बार एक स्टूडेंट मिला मुझे, उसने बोला कि सर आपने जो हमें सिखाया है ना, आपने जो हमें बोलना सिखाया, आपने जो हमें प्रेजेंट करना सिखाया, उसकी वजह से जब हम इंटरव्यू में जाते थे तो हम आंखों में आंखें डाल के बात करना आता था, और मैं हमेशा याद, वो लड़का मुझे हमेशा याद करता था कि आप जैसे टीचर्स हैं जिन्होंने जो बच्चों को कुछ बना सकते हैं, मतलब मैंने उनको कुछ बिल्कुल, ज्यादा नहीं दिया, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप किया था। लेकिन सर ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मुझे याद है ना, बचपन में हमारे साथ में तो कोई नहीं था जो इस तरीके से समझाए, और वो इंट्रोवर्टेड नेचर जो बनना शुरू होता है ना, जो शायद फैमिली से स्टार्ट होता होगा, वो बनता ही चला जाता है। उससे इंसान मतलब बाहर आने का स्कोप ही नहीं बचता। स्कूल के अंदर मतलब जहां मैं पढ़ता था या फिर DAV में पढ़ता था, वहां इस तरीके की बातें करना या इस तरीके का कॉन्फिडेंस देना बच्चे को कि वो बोल पाए कुछ, वो एक्सप्रेस कर पाए, ये नहीं होता था। मुझे बहुत लेटर इयर्स नहीं में नहीं मेरे होता था, टीचर मुझे हाँ मुझे बहुत लेटर इयर्स में ऐसे एक टीचर मिले अब, जिन्होंने कि मेरी मतलब उस पर्सनालिटी को चेंज करने में शायद बहुत अहम रोल प्ले किया। दीपक सर उनका नाम है, वो मेरे को बहुत लेट मिले, बहुत बाद में मेरा कनेक्शन उनसे उस तरीके का हुआ, बट बचपन तो वैसे ही निकला। तो वो एक हमेशा ना एक वो चीज रहती है अंदर, कि कोई समझाने वाला होता तो शायद ये चीज। और जैसा आपने बोला, मैं उससे भी बड़ा कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि आपने बोला कि देखते ही देखते आप फ्रंट बैक बेंचर हो गए। ये एक बैक बेंचर सिर्फ आप अपनी उससे नहीं हुए कि आप उस तरीके के स्टूडेंट रहे होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप पढ़ने में अच्छे थे, फिर भी अपने उस नेचर की वजह से पीछे बैक हटते चले बेंचर गए, हुआ, पीछे हो बैक गए, बेंचर वो हुआ, बैक बेंचर लिटरली हो बैक गए। बेंचर हुआ मैं। हाँ राइट
दो तीन कॉम्प्लेक्सेस थे। एक तो ये था कि उनकी जो बच्चे आते थे उनकी शर्ट्स ऐसे मटेरियल की होती थी, हमारे पास बिल्कुल नहीं सर, होती थी। मेरे बिल्कुल पास पॉपलिन की शर्ट होती होगी और राइट वो दो शर्ट्स हमें वीक चलानी होती होंगी, तो वो सिस्टम होता था। उनके कपड़े बिल्कुल नीट क्लीन होते थे जो आते थे। पैसे वालों का रामदेव स्कूल है, नंबर वन जो है वहाँ पैसे वाले जाते थे। मैं गरीब घर से कैसे पहुंचा, सिर्फ वो मार्क्स की वजह से पहुंचा होता। राइट राइट दूसरा इशू ये था कि मेरे को कहीं पे ये महसूस होने लगा था कि मैं मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। रिसेस में बच्चे एक एक रुपया खर्चा करते थे, मेरे पास 5 या 10 पैसे होते थे। मैं उस 5 10 पैसे को रोकता था शाम को आते वक्त। हम पैदल पैदल आते थे, त्रिकोण गेट से दरियागंज पैदल जाना पैदल रहा। तो आते हुए शाम को हमेशा वो एक पुड़िया लेता था मैं, उसकी बिस्किट वगैरह, टूटे बिस्किट की पुड़िया मिलती थी उसके बेकरी पर, जी जी तो जी 5 पैसे की मिलती थी। उसमें कई बार केक के पीस मिल जाते थे, कुछ मिल जाता था। वो चूरा होता था, उसको पुड़िया बना के 5 पैसे की बेचते थे। मेरा फेवरेट था वो। तो था इसमें। और आपको पता है कि जो बच्चे अमीर होते हैं उनको ये पता होता है अमीर है। और वो मतलब मेरे से, मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, थे फ्रेंड्स मेरे को पसंद करते थे मेरी ड्रॉइंग की वजह से। कुछ लोग अपने साइंस की पिक्चर्स मेरे से ही बनवाया करते थे, कुछ लोग मेरी फाइल में से साइंस के डायग्राम्स निकाल के अपने इसमें लगा लिया करते थे। तो राइट 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 थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो रहता ही है। पेरेंट्स से मतलब घर से कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपका। और आ मुझे जाता है। लगता है कि हाँ आ जाता है, वो नेचुरल है। और ये बात मुझे ध्यान थी इसलिए जब हमारा बेटा अंशुल स्कूल जाने लगा, अंशुल पढ़ रहा था, तो फोकस ये रहता था कि इसको कॉम्प्लेक्स ना आए वहां पहुंच के। मतलब मेरे से मेरी वाइफ गुस्सा भी करती थी कि जब भी जो कुछ मांगता है तुम प्रोवाइड कर देते हो। मैं कहता हूँ नहीं, जो राइट राइट मैंने जिया है वो ये नहीं देना चाहिए। तो मैंने उसको मैक्सिमम फैसिलिटीज को, जो भी मेरे बस की था, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत करोड़पति अरबोपति हूँ, जी 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 लेकिन अपने रिसोर्सिस को उसके उसके बोलने पे उसको पकड़ा नहीं पकड़ा नहीं। राइट तो वो होता है, कॉम्प्लेक्स तो आते हैं। हाँ हालांकि मेरे ये पेरेंट्स की कोई, जी हाँ ये कॉम्प्लेक्स भी जो है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं, वो उसके लिए भी मुझे लगता है कि एक बच्चे के अंदर एटलीस्ट इतनी सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए कि वो ऑब्जर्व कर सके चीजों को, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास में रिसोर्सेज नहीं भी होते, बट वो ख्याल नहीं रखते इन सब चीजों का, बहुत नेचुरल होते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचने वाले जब हो जाते हैं ना, कि हम थिंकिंग करने लग जाते हैं, उसके लिए एक उस तरीके का इंटेलेक्ट भी जरूरी शायद मुझे लगता है होता होगा। उन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है जो सोचते वो हैं। उन्हीं के साथ होता है जो सोचते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही सोचते हैं। राइट मैं इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मतलब मैं और मेरा ब्रदर, हम शर्ट खरीद रहे हैं, और मतलब बाबूजी शर्ट दिला रहे हैं कि भाई ये शर्ट ले ले। भाई खरीद रहा है 35 रुपए मीटर वाला कपड़ा, मैं खरीद रहा हूँ 12 रुपए मीटर वाला कपड़ा, ये सोच के कि फादर के पैसे ज्यादा खर्चे होंगे। भाई राइट को नहीं रोक रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, उसने जो ले लिया ले लिया। उसने टेरिकॉट और सब जो आते थे कपड़े और प्रिंटेड वगैरह, और जी मैंने जी सिंपल सादी शर्ट ली। तो ये सोच आती है। और जैसे ही मैंने 79 में जॉब लग गई, उसके बाद मैंने फादर से पैसे नहीं मांगे थे, जी अपने मांगे ही नहीं। रिसोर्सेस खुद जोड़ना शुरू। जरूरत ही नहीं थी। 12:30 का पास बनता था, कॉलेज में थे, 12:30 का पास बनता था, जो 150 रुपये आते थे बाबूजी मदर के हाथ में रख दिया करता था, उसमें से वो 50 रुपये दे देती थी। वो उसी से पूरा पूरा महीना निकाल दिया करते थे। रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। 2 साल 3 साल ऐसे चला, उसके बाद तो फिर कॉमिक्स करने लगा, तो मैंने घर पे खर्चे करने चालू कर दिए। फिर तो पेमेंट आने लगी थी, प्राइवेट हो गया था सिस्टम। राइट उस वक्त एक कॉमिक से 1350 रुपये मिलते थे और 15 दिन में कॉमिक साइड हो जाती थी, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था। तेरह सौ जी पचास 150 रुपये भी कम नहीं होते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर मतलब 150 रुपये 79 में काफी बड़ा अमाउंट था। आज की रेट में वो लगा लो कम से कम 10 10 हजार के आसपास का अमाउंट था वो, जी जी मतलब जी खर्चे के हिसाब से देखो। राइट राइट बट ये है कि रिक्वायरमेंट, मैंने बाबूजी से कभी पैसे नहीं लिए थे। बाबूजी को दे ही देता था, लेता नहीं था, कभी नहीं लिया। जी। तो सर ये अभी तक हमने ना आपके बचपन की बात करी और एक पर्सनालिटी या किस तरीके का नेचर था। अब थोड़ा ना ट्रांजिशन करके आपके करियर के ऊपर आते हैं, आर्ट के ऊपर आते हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये सारा जो भी आपकी पर्सनालिटी थी, नेचर था, इन सब चीजों का इम्पैक्ट आपकी आर्ट के ऊपर किस तरीके से हुआ, या अगर आप हाइंडसाइट में अब अगर पीछे जाकर के मतलब पीछे को अपने टाइम को देखो, और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग होती इससे, तो आपको क्या लगता है कि वो आर्ट वर्क जो आप आज बना पा रहे हो, आप वैसे बना पाते? उस पर्सनैलिटी का कितना रोल है इस चीज के अंदर?
हाँ, रोल बहुत बड़ा है इसमें। एक बात बीच में ऐड कर दूं आपको, ये जी बहुत जी जरूरी है। राइट एक मिसकॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन ये है, इनफैक्ट हमारे एक मिनिस्टर जो है वो रेडियो पे आपने ऐड सुना होगा, इफ यू ड्राइव ऑन द ड्राइव इन द कार, मतलब सिटिंग इन अ कार, द रेडियो चल रहा हो तो एफएम पे एक ऐड आता है कि आपका बच्चा अगर पढ़ने में होशियार नहीं है तो आप दुखी मत हो, आप ये सोचो कि हो सकता है वो एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, वो एक अच्छा ये राइट हो राइट सकता राइट है, एक अच्छा वो, ये ऐड आता है। इसमें बहुत नेगेटिव मिसकंसेप्शन माइंडसेट है ये है सर। कि, हाँ, इसमें मिसकंसेप्शन ये है, मैं भी एनसीईआरटी था, आई वाज टॉकिंग टू सम सीनियर पर्सन देयर, मैंने ये बात तब उठाई थी, मैंने, अब बहुत सीनियर लेवल पे लोग बैठे हुए थे वहां पे, आई वाज इन अ मीटिंग एक्चुअली, आई डिड सम एनसीईआरटी बुक रिसेंटली, राइट तो राइट राइट मैंने इनको बोला था कि ये मिसकंसेप्शन है कि आर्टिस्ट जो है वो पढ़ने में होशियार नहीं होते इसलिए आर्ट लेते हैं। आर्टिस्ट ऐसा, आर्टली आर्टिस्ट आर ब्रिलियंट माइंड, राइट आप फोटोग्राफर हो, आप जब फोटोग्राफी करते हो आप कितने चीजों को कैच करते होगे, कितनी सेंसिटिविटी आपको होगी, बट आपका कम्युनिकेशन मोड डिफरेंट है, आप उसको राइट वर्ड्स में नहीं बताते होगे, आप उसको राइटिंग में नहीं बता रहे होगे, आप सारा मटेरियल लाके आप उस पे देते होगे, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता किस किसने कहा कि आर्टिस्ट जो है पढ़ने में होशियार नहीं होते। कोई भी क्रिएटिव बंदा, अभी मैं एक HW करके एक सोशल साइट का वो है, न्यूज साइट है जी HW करके है वो, उसमें राइट नायल करके हैं एक एडिटर, उनका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने ही वाज टॉकिंग ऑन सम मूवीज, रीसेंट मूवीज, सम कंट्रोवर्शियल मूवीज, तो इसे क्रिएटिविटी जो है ना, क्रिएटिविटी ऐसे ही नहीं आती, क्रिएटिविटी के लिए यू नीड टू हैव दिस दिस सेंसिटिविटी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, विदाउट इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअलिटी क्रिएटिविटी आ ही नहीं सकती। क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज को ये ऐसे रखा है तो इसको उल्टा करके रख दो, इस क्रिएटिविटी नो, क्रिएटिविटी हो गई नहीं क्रिएटिविटी मीन्स आपको वो सारी इनपुट देनी है जो आप कम्युनिकेट करना मांगते हो, और वो उसमें कहीं भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अब आपका ये सेकंड जो जो मेन क्वेश्चन था आपका, कि मैं आर्ट में कैसे कैसे सिस्टम से जुड़ा, आर्ट में कैसे कैसे मेरे को लगा कि मुझे आर्ट में आना है, या मैं क्या, अगर ये सो जो कुछ बनाता हूँ मेरा बैकग्राउंड नहीं होता तो क्या मैं ये पर्सनैलिटी का बनाता, क्या नहीं जी बनाता, राइट पर्सनैलिटी ट्रेट जो है, मेरी पर्सनैलिटी तो मेरे घर से आई है, मेरे सिस्टम से आई है, मेरे सरकमस्टांसेस से आई है, ठीक सराउंडिंग से आई है है, सराउंडिंग से आई है, जो मैंने सहा है उसी से आई है, पर्सनैलिटी उसी से ही बनती है। किसी भी बच्चे को आप अगर उसको एब्यूजिव एटमोसफेयर में डालोगे, वो या तो क्रिमिनल माइंड सेट होगा, क्योंकि ही वुड बी ट्राइंग फॉर द रिवेंज, ही हैज राइट फेस्ड, या फिर वो कल्प्रिट माइंड होगा, और या सेंसिटिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, तो ये राइट होता है। मैंने मेरे केस में, मुझे नहीं पता इफ आई एम बॉर्न लाइक दिस, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को जो मैंने जिया है, मेरे पेंटिंग्स में पेन है, जैसे पिछली भी उस पर क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो वो जी जी पेन जी जो है, वो जो मैंने सहा है या देखा है, या मैं इनजस्टिस को फील कर पाता हूँ, कोई भी एक्चुअल सेंसिटिव माइंड इनजस्टिस को फील करेगा ही करेगा, बिल्कुल और अगर कोई इंटेलेक्चुअल किसी भी चीज को देख के, किसी भी इनजस्टिस को देख के उसे इग्नोर करता है, देन ये मान के चलो कि वो फेक है, मेरा तो अपना मानना ये, राइट मतलब इंटेलेक्चुअलिटी मीन्स यू आर टू सेंसिटिव, राइट यू आप उस सारे सिस्टम को पहले ही पढ़ पाते हो जो एक आम आदमी नहीं पढ़ पाता, नहीं, और अगर एक आप इग्नोर कर भी दो नॉर्मल तो वो ह्यूमन एंगस्ट बीइंग और वो जो एक परेशानी अंदर होने लग जाती है। होने लगती है वो आप तक बिल्कुल पहुंच चुकी होती है, आपको नहीं पता, आप सबकॉन्शियस माइंड में रीड कर चुके होते हो, राइट कई राइट बार आप राइट इग्नोर करते हो, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम झंडा लेके खड़े होते हो, जी जी इग्नोर जी करते ही हो, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी, क्योंकि आप उसको एक बार फील कर चुके हो, देख चुके हो, आपने ऑब्जर्व कर लिया। तो मुझे मुझे क्या लगता है कि इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अपर लेवल का गेम है, राइट और जो पेंटिंग का एरिना है, जो पेंटिंग का एक पार्ट है, वो आप जब तक इंटेलेक्चुअलिटी आपके अंदर है नहीं, आप उस लेवल को टच भी नहीं कर सकते। देखो पेंटिंग
सिर्फ पेंटिंग जो है ब्रश चलाना नहीं है। पेंटिंग ऐसा नहीं है कि एक कैनवस के ऊपर, फोटोग्राफी ऐसा नहीं है जो एक एक अपने फ्रेम के अंदर एक जितने भी एलिमेंट्स फोटोग्राफी के होते हैं, लाइट, उसकी कंपोजिशन, उसका उसके फॉर्म्स, उसकी कम्युनिकेशन, ये सब राइट कैप्चर करना इज नॉट इंटेलेक्चुअलिटी। ये तो आप सोचो कि एक शादी का फोटोग्राफर भी करता है, बिल्कुल एक बिल्कुल स्टिल लाइफ फोटोग्राफर भी करता है, एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर भी करता है। इंटेलेक्चुअलिटी आती है जब आप उसमें अपनी इनपुट डालना चालू करते हो, राइट अपना माइंड डालना। रघुनाथ जो थे वो रघुनाथ रघुनाथ इसलिए थे कि वो फोटोग्राफी तो कोई भी कर सकता था, जर्नलिस्ट तो थे, वो चारों तरफ से कोई भी उस लाठी वाले सीन को खींच सकता था जो राइट कहीं आप रघु राय की बात कर रहे फोटोग्राफ हैं शायद। है। रघुराय, रघुराय, सॉरी, जी 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 राइट रघु राइट राय का जो एक लाठी के बीच में से एक बच्चा है, फोटोग्राफ बहुत मशहूर है। अगर कोई मतलब जर्नलिस्ट तो कोई भी खींच सकता, आप भी खींच सकते हो, आज की डेट में मोबाइल आपके हाथ में कैमरा है, कोई भी खींच सकता है बिल्कुल फोटोग्राफ बड़े। आप उसको जब उसमें एक पेन ला पाते हो, आप उसमें एक स्ट्रॉन्ग व्यंग ला पाते हो, आप उसमें जब एक स्टेटमेंट ला पाते हो, देन यू बिकम दैट रघु राय, इससे बेसिकली पहले नहीं। अपना 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 विजन जब आप ला पाते हो कि आप क्या देख रहे हो, क्या और क्या कहना मांग रहे हो कहना मांग रहे हो। और जी क्या दिखाना मांग रहे हो, राइट वहां से इंटेलेक्चुअलिटी शुरू होती है। फोटोग्राफी का इंटेलेक्चुअलिटी का पार्ट नहीं है, पेंटिंग नहीं इंटेलेक्चुअलिटी का पार्ट नहीं है। पेंटिंग तब इंटेलेक्चुअल लेवल पे आती है जब उसमें आप स्टेटमेंट दे पाते हो। बिल्कुल जब सिर्फ कलर लगाना स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, एक और ट्रेंड है कि आप कुछ भी लगाओ 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 करो, बहुत सुंदर बनने के बाद उसको शब्द दे दो, फिर आप एक्सप्लेन कर दो। ये भी मेरा सवाल था, वैसे भी पूछना चाहता था मैं। सही पॉइंट पे आ गए हम। हाँ भाई, पेंटिंग आपने कभी पेंटिंग्स आप देखते हो, मेरे साथ आपने एग्जीबिशन अटेंड करी है, राइट कभी राइट पिकासो की पेंटिंग पे कोई स्टेटमेंट पढ़ी है कभी? पिकासो की नहीं सर। उसने एक टाइटल तो दिया है क्योंकि ही वाज इंस्पायर्ड बाय दैट इंसिडेंट, तो टाइटल तो उसने दिए है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी उसने। और आप अपनी पेंटिंग को आपका फोटोग्राफ, ये एक स्टेटमेंट है जर्नलिज्म में पढ़ी थी मैंने कि अ फोटो वर्थ 1000 वर्ड्स, राइट 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 ठीक है? बिल्कुल तो फोटो अपने आप में शब्द है और 1000 शब्दों के मुकाबले फोटोग्राफ है। जी। एक फोटोग्राफ 1000 शब्दों के मुकाबले है, फिर यहाँ पे सर एक पेंटिंग हजार एक चीज मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे ना, जैसे कि आपने एग्जीबिशन की बात की जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल मेरे को तो वो बिल्कुल मैं 100% उसमें बिलीव करता हूँ। जब एग्जीबिशन था आपको याद होगा पहले दिन 7 बजे के बाद में जब हम सारे आर्टिस्ट अपने बारे में बोल रहे थे, तो मेरे पास में भी हाँ जब आया था नंबर बोलने का तो मैं एक्चुअली में डरा हुआ था बहुत ज्यादा, मतलब मुझे थोड़ी घबराहट तो हो ही रही थी, पहली बार ऐसा हो रहा था। तो मैंने जो भी मैं कुछ भी अपना ज्यादा नहीं बोला, बोल पाया था। जी, तो मैंने अपनी बात कही और लास्ट में मुझे अभी वो एक लाइन याद है जो मैंने कंक्लूड की थी कि मैं ये बिलीव करता, मैं एक्सप्रेशन में बिलीव करता हूँ, एक्सप्लेनेशन में बिलीव नहीं करता। मैंने सुनी, और मुझे याद है, हाँ मेरे मुझे को नहीं याद है ये पता, लाइन। मुझे नहीं पता आसपास के लोगों ने कितनी सीरियसली ली भी होगी कि उन्हें लग रहा होगा बच्चा है क्या बोल रहा है पता नहीं, बट जेन्युइनली मैं वो चीज नहीं, फील करता कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है ना एक्सप्लेनेशन में हो जाते हैं शुरू, ऐसा है ये है ये है, तो उसमें व्यूअर को आप मौका क्या दे रहे हो कि वो देखें और वो खुद का कुछ अपना परसेप्शन निकाल सके। वो पेंटिंग तो फिर वहां पे खत्म है, वो फोटोग्राफ वहां खत्म है, आपने पूरा अपना बता दिया, सामने वाले को एक पिक्चर दे दी क्लियर कट, उसके दिमाग ने इमेजिन कर लिया कहानी, हो गई, काम खत्म हो गया। हाँ एग्जैक्टली यही बात है। उससे एक और प्रॉब्लम हो रही है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। राइट एक आपने एक आंख का एक फोटो लिया, बहुत क्लोजअप से एक सिर्फ आंख ली, पूरे उसपे ब्लैक है, उसमें एक आंख दिख रही है। आई एम जी टॉकिंग जी ऑफ जी फोटोग्राफ। राइट आपने उसको बहुत ब्यूटीफुली लाइट वाइट के हिसाब से शूट करा, सॉफ्ट रखा, उसका 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 जो वाइट पोर्शन है वो भी माइल्ड है, और उसमें आपने वो एक फ्रेम किया, उसको एक एग्जीबिशन में लगा दिया। राइट अब आप कहते हो जी मैंने इस आंख को ये ब्ला 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 जो आपने बोलना है उसके नीचे 4 लाइनें लिख दी, या आपने उसको कोई आया व्यूअर उसको बता दिया कि देखो जी मैंने ये शूट किया, पूरा या मैं पैराग्राफ ऐसे लिख था देते तो हैं ये सर अब तो। शूट, पैराग्राफ लिख देते हैं। या जैसे मैं पहुंचा, मैंने पूछा कि विपिन जी आपने आप क्या कहना मांग रहे हो, तो आपने ब्ला 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 करके बता पूरा दिया बग मुझे। हाँ अब हुआ क्या उससे कि मेरा दिमाग जो उसमें कुछ और देखने की कोशिश करता वो ना देख के अब वही देख रहा हूं जो आपके केस में।
इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब हम किसी भी चीज के साथ एक कहानी जोड़ देते हैं, क्राइस्ट को लेके जोड़ते हैं, जैसे लास्ट सफर है। लास्ट जी सफर जो है बेसिकली आखिरी खाना है बिफोर उनका द क्रूसिफिक्शन, जब तक वो अरेस्ट से पहले का, और लियोनार्डो की फेमस पेंटिंग है। तो राइट बहुत जब फेमस उसको लास्ट सफर को आपने क्राइस्ट के तरीके से देखना चालू करा, तो फिर तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, हाँ जी ये वो। बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत सारी चीजों की बात कर सकता हूँ लेकिन करना नहीं मांग रहा, मैं कॉन्ट्रोवर्सी समझ रहा नहीं हूँ होनी मैं चाहिए। समझ तो रहा हूँ जी जब क्राइस्ट को आपने उसको लिमिट कर दिया कि ये लास्ट सफर है, तो लास्ट सफर तो बनाया नहीं लियोनार्डो ने। बिल्कुल लियोनार्डो ने लास्ट सफर एक कंपोजिशन ली जिसमें उसने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, मतलब जिस वक्त पर्सपेक्टिव खो जाए, जिस वक्त पर्सपेक्टिव को काम करना चालू करा, फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव को, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जो होता है, तो फिर उसने तो उस पर स्टडी करी है पूरी। वो सारी की सारी एक जगह जाके इकट्ठी होती है, पीछे भी स्काई है, स्काई में अनंत तक जाता है, फिर वो जो क्राइस्ट का फेस है वो सेंटर पॉइंट है, वो सारी राइट चीजें आप नहीं देख पाते ना, फिर उस सारी क्राफ्टमैनशिप खत्म खत्म। और इसलिए कोई भी पेंटिंग, मतलब मेरी पेंटिंग को किसी क्रिटिक्स अगर कोई बोलता है मेरी पेंटिंग के लिए, बोलते हैं आजकल, बोलते हैं लोग, मेरे से बात भी करते हैं और वो अपना अपना स्टेटमेंट भी देते हैं, वक्तव्य बताते हैं कि मैंने आपकी पेंटिंग्स में ये दिखा है, तो इट्स ए वेरी गुड न्यूज फॉर मी, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि मैं ही एक्सप्लेन करूं। मैंने एक्सप्लेन करा, मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, उनमें से एक पेंटिंग बताता हूँ कि मैं एक्चुअली ऐसा एग्जांपल देना मांग रहा हूँ जो मैंने पहले बोला नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही एग्जांपल दिमाग में आता है, जिसमें नॉन एग्जिस्टेंट करके एक पेंटिंग बनाई थी। ठीक मैंने देखी सर जी है, नॉन एग्जिस्टेंट में क्या है कि अब भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता बंदा। अब राइट मैंने उसके पीछे स्टोरी भी बता दी, नई समझती, नई चीजों को समझती, तो मैंने उसका कहानी बता दी कि इसका बैकग्राउंड ऐसा है, ये कहानी ऐसे बनी हुई है। राइट उससे हुआ क्या है कि वो एक कहानी से जुड़ गया, वो 20 साल भी उसी से जुड़ा रहेगा। अगर किसी ने, मैंने बोल दिया है, वीडियो पे कर दिया है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर उससे जुड़ा रहेगा। बिल्कुल लेकिन अगर मैं उसको नहीं बताता, आप उसको देखते और आपको लिखना पड़ता, कभी जोएल अगर बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है या इस लेवल जी पे आ जी जाता जी है कि क्रिटिक्स उस पर लिखे, तो जो जैसा देखेगा वैसा बोलेगा, वो उसकी उंगलियां भी देखेगा, वो उसकी पोजिशन भी देखेगा, उसका डायगनल फॉर्मेशन भी देखेगा, उसकी बिल्कुल कलर भी देखेगा, तो बिल्कुल वहां फिर मल्टीपल डायमेंशन खुलती है। इसलिए किसी भी विजुअल को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, हर एक आर्टिस्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप भी जब फोटोग्राफी करते हो उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपको उसी हिसाब से करना चाहिए। वंस राइट दैट राइट इज डन, नाउ इट इज इन शो, देन टॉपिक तो आप दे सकते हो, टॉपिक में इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करो, उसकी कहानी बताओ, उसके बैकग्राउंड की कहानी बताओ, फिर वो आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, फिर व्यूअर की परसेप्शन खत्म है। हाँ क्योंकि एक मिस्ट्री बना करके हमें मुझे लगता है छोड़ देनी चाहिए वो छोड़ देनी चाहिए। मिस्ट्री इज द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ पेंटिंग, ऑफ अ विजुअल। राइट मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ उसका, जैसे एक हाथी है, हाथी की ये स्टोरी सुनी होगी कि एक अंधे ने उसको इधर से पकड़ा, उसने उधर से पकड़ा, तो उसने कहा जी ये खंबा है, उसने कहा ये सांप की तरह है, उसने कहा नहीं ये रस्सी की तरह है, उसने कहा नहीं ये बो गोल। तो ये अलग अलग विजन कब आए, जब वो कोई भी उसके बारे में ठीक से नहीं जानता था। हाँ अगर और वो सब उसके बारे में जानते हो, इसी तरीके से स्टोरीज ट्रैवल करती हैं अक्रॉस ये टाइम इस मल्टीपल डायमेंशंस कब आती है, जब मल्टीपल यू डायमेंशन आर इनोसेंट। अब उसको नहीं दिख रहा, उसको नहीं नॉलेज है, तो उसने बताए मल्टीपल डायमेंशन आए। अगर वो सबको पता होता हाथी कैसा है ये वो, तो सभी बता देते, फिर तो एक ही जगह आती है आंसर, आते वो तो मल्टीपल साइंस के डायमेंशन रियल नहीं में आ आते, जाएगी साइंस चीज वो साइंस के रियल में आ के जाएगी रियल में आ जाए। एग्जैक्टली, वो ऐसी आ जाएगी जो फोर टोल्ड है, ऑलरेडी बताई हुई है। बिल्कुल राइट ऐसे ही जी जैसे आपने आर्ट के एक्सप्लेनेशन का बोला ना मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे एक पिंक फ्लॉयड करके बैंड था अब तो शायद वो स्प्लिट हो गया है तो उनका एक गाना है हाई होप्स के नाम से मैंने प्रॉपर उसको हाँ एक्सप्लेन करते हुए अपना एक पार्ट मतलब कि मैं क्या देखता हूँ म्यूजिक वीडियो में और सॉन्ग में मैंने एक पूरा मतलब 20 से 25 मिनट की शायद वो वीडियो है पूरी एक्सप्लेनेशन की एक एक वर्ड्स को मैंने अपने उस पे एक्सप्लेन करके मतलब समझाने की कोशिश की अपने पर्सपेक्टिव से तो वही जो आप बात बोल रहे हो कि व्यूअर जो होता है वो अब इतना पुराना वो गाना है लेकिन आज तक मैं उसको सुन रहा हूँ मैं अपने तरीके से एक तरीके से उसका परसेप्शन दे पा रहा हूँ और व्यूअर्स को
वो मैजिक है आर्ट का, जबकि उन्होंने पिंक फ्लॉइड ने कभी उसको क्लियर कट करके नहीं बोला कि हमने ये करके बनाया है, अगर बना देते तो मैं वीडियो बना ही नहीं रहा होता। ऑब्वियसली मैं यही बात कह रहा हूँ, और ये आज भी अगर आज मैं आज का अगर क्रिटिक्स हूँ, आज की डेट में पैदा हुआ हूँ, इफ आई स्टडी पिकासो और लियोनार्डो और माइकल एंजेलो या मैं हुसैन को स्टडी करूंगा, मैं जो व्यू दूंगा वो आज के टाइम के उस सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यू होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट होगी, ये 100% है, 101% है। मतलब आज की टेक्नोलॉजी अलग है, आज आपका कल्चर अलग है, सोशल वैल्यूज अलग हो गई है, प्रॉब्लम्स अलग है। आज की डेट में वो प्रॉब्लम्स नहीं है कि पॉटी करने के लिए जंगल बाहर जाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट इशू है। बिल्कुल, पहले क्या होता था, पहले टाइम में क्या होता था कि वो रात को लेडीज निकलती थी, इकट्ठी निकलती थी, पॉटी करने जा रही होती थी, कहीं जाती, हमने तो नहीं राइट देखा, राइट गांव में होता था ये, मैं तो शहर में रहने वाला हूँ, लेकिन जो वो जी रही थी वो ही जी रही थी ना, उसी के हिसाब से अब व्यू देंगी। तो वही एग्जैक्टली वही है कि कभी भी कोई भी पेंटिंग, कोई भी गाना, ये बासी नहीं होता और ऑल टाइम फेवरेट होता है। अभी मैंने आपकी एक टॉक सुनी थी, उसमें ये बात आई थी कि पुराने गाने आज भी वही हैं, आज भी उतना ही रेलेवेंट। मजा देते हैं, उतना ही बिल्कुल मजा देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों? उन पुराने गानों में रियल में म्यूजिक था, रियल में सिस्टम था। आज की डेट में जो पॉप म्यूजिक आ गया है या जो ये आ गए हैं तुम्हारे रैप म्यूजिक, रैप म्यूजिक वगैरह रैप आ गए म्यूजिक हैं, जिसमें ना शब्द होते ना म्यूजिक होता। बिल्कुल आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैम, इट्स अ राइट राइट, क्रिएटिव थिंग, लेकिन उसकी लाइफ वैल्यू कम है सेल्फ वैल्यू बहुत कम है सर। है ना। उसका इसके हम जब छोटे थे, हमारे हमारे एक जनरेशन थी 20-25 साल की उम्र थी, तो हम ये कहते थे एक वाइट शर्ट हमेशा होनी चाहिए, कोई भी ओकेजन हो वाइट शर्ट चल जाती है। तो वाइट शर्ट की वैल्यू आज भी है। आज भी है फैशन चाह रहे आगे चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वाइट बिल्कुल शर्ट नहीं जाएगी, साड़ी कभी नहीं जाएगी, सूट कभी नहीं जाएगा, आप कितने ही चेंज कर लो, बेसिक सूट कभी फैशन नहीं जा सकता। हाँ, मतलब कितनी बड़ी भी बिल्डिंग बन गई, जो बेस वहां पे है वो बेस वहीं का वहीं है, जिसके ऊपर पूरी वहीं का वहीं कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है। आप देखो इतनी डिजाइनिंग होती है, हमारे यहाँ भी होती है, फॉरेन में भी होती है, लोटस टेम्पल जैसी डिजाइनिंग की बात जी कर रहा हूँ, जी मार्वल्स बने हुए हैं, बुर्ज खलीफा जो मार्वलस आर्किटेक्चर है। लेकिन आप जितनी अच्छे कंट्रीज जाओगे ना राइट उन, और कभी या मूवीज वगैरह में देखो या अभी भी बिल्डिंग्स वगैरह को देखो, उनके जो घर है ना उसकी जो फॉर्मेशन है वो सिंपल है। मतलब कोई अपने घर में ब्ला 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 नहीं करता। एक फैशन आया था, मुझे नहीं पता आज प्लेट में क्या पोजीशन है, एक फैशन जब सीरियल्स आए थे, सीरियल्स में क्या था कि उसको फ्रेम में कलर करने के लिए उन्होंने दीवारें डिफरेंट कलर करनी चालू कर दी। जब सीरियल्स राइट पॉप ओपेरा वगैरह बहुत आता था, उन्होंने इंटीरियर जो ऐसे थे कि एक साइड येलो चल रही है, एक साइड डार्क ब्लू चल रहा है, एक साइड ब्लू चल रहा है, तो वो उससे फायदा क्या होता था, जब पैन करता था कैमरा तो वो एक विजुअल में कलर्स मिल जाते थे। जी 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 उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो व्यूअर था उसको लगा यार घर ऐसे भी होते हैं, उसने अपनी दीवारें रंगवानी चालू कर दी। लेकिन व्हाइट वॉल का आज भी मजा जितना है वो वही है किसी का नहीं है, और एक आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल जो है उसके घरों की दीवारें आज भी सफेद ही मिलेंगी। बिल्कुल सर, मैं तो काम ही ब्लैक एंड व्हाइट में करता हूँ अभी तक, मेरा मेरा वही शौक है ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा पावरफुल है कलर से। जी। कलर को यूज करने के लिए फिर आपको उसकी बहुत समझ होनी चाहिए इंटेंस सेंसिटिविटी चाहिए। राइट, कलर लगाने से फोटोग्राफ सुंदर नहीं होती, फिर कलर का बिल्कुल यूज। बिल्कुल मेरी पेंटिंग्स तो मुझे आज भी ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग या सिंगल टोन पेंटिंग में से क्वेश्चन भी पूछा, मोनोटोनस जो होती है मेरे को उसमें मजा आता है, मेरी स्टेटमेंट उसी में होती है। मैं कलर लगा, मेरे जो कमर्शियल है अगर आप देखो कभी मेरे इलस्ट्रेशन वगैरह, वो इतनी हैप्पी और इतनी कलरफुल होती है कि क्लाइंट जो है देखते ही बोलता है यार इससे बढ़िया वो नहीं बन सकता। मतलब ऐसे ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने कहा हम तेरे को 2,000 रुपए देंगे, लेकिन जब मैं कवर बना के गया उन्होंने 5,000 का चेक उठा के मेरे हाथ में रख दिया कि यार ये कवर बियॉन्ड थिंकिंग है, ये 5,000 रुपये, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, कलर अच्छे हैं, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ
तकरीबन 20 साल पहले, जी, अच्छा एक पेनक्राफ्ट पब्लिकेशन है ग्रेटर कैलाश में, अभिनव करके है, अगर सुन रहे होंगे या सुनेंगे तो उनको याद आएगा। उन्होंने मुझे एक कवर दिया है ओपन विंडोज करके इंग्लिश का, तो मैंने वो बनाया, उसको तरीके से बना बुनू के मैंने उनको सबमिट कर दिया। इट वॉज अराउंड 2000, 2001, 2000 की बात है। मैंने बिल्कुल, वो सबमिट कर दिया, उन्होंने उसी वक्त ग्रेटर क्लास गया, मैंने उनको कवर दिया, प्रिंट आउट दिया, सब कुछ दिया, उन्होंने उससे 5 हजार का चेक निकाला दे दिया। ये सच्चा किस्सा है। जी, उन्होंने कहा ये कवर देख के मन खुश हो गया, ये लो 5 हजार। वो तो मैं अलग ही 2 हजार खुशी से होती बात है। हुई थी आप ऊपर, मतलब भाई उसको भी पता है कि ये कवर मार्केट में जाएगा, उसको 3 हजार रुपये कमाना कितने, पब्लिशर्स की इनकम कम थोड़ी ना होती है, बहुत बड़े लेवल पे इनके 100 100 करोड़ के टर्न ओवर होती है, 200 करोड़, 100 करोड़ ऐसे टर्न ओवर होती है, उसमें 5 हजार जी काउंट ही करता काउंट। मेरे लिए क्या है कि वो उस बंदे ने मेरे काम की वर्थ समझी, उसकी बट पेमेंट समझी दुगने से ज्यादा दी, जी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपसे ना सर ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे कोई भी आर्टिस्ट होता है वो अपने एक किसी प्रोजेक्ट पे आर्ट पे काम कर रहा होता है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कब आपको, मतलब आपको पर्सनली कब ऐसा लगता है कि आपने वो एक पर्टिकुलर आर्ट वर्क जो है फिनिश कर दिया है, कि यहाँ पे आकर के आपको लगता है कि हाँ ये अब खत्म हो चुका है, या एंड मोमेंट तक भी वो रहता है कि यार इसमें कुछ चेंज किया जा सकता है, ऐसा कर दें तो क्या होगा, मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन कैसे मिलती है कि हाँ अब एट लास्ट ये मैंने लास्ट अपना ब्रश स्ट्रोक मारा और ये एंड हो गया, अब मैं यहाँ पे उसको छोड़ दूंगा, अपने से अलग कर दूंगा, एक डिटैच वे में देख मेरे पाना अपनी आर्टवर्क को। मेरे केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे जो डिजाइन हैं जो मैं इलस्ट्रेशन भी करता हूँ, इलस्ट्रेशन तो नहीं, जो ओरिजिनली कवर डिजाइन वगैरह करता हूँ उसमें भी यही प्रॉब्लम है और पेंटिंग में भी यही प्रॉब्लम है। होता है क्या है कि मैं एक डिजाइन बनाता हूँ, एंड तक उसको परफेक्शन पे लेके चलता हूँ, एक एटीट्यूड डेवलप हो गया है, खासकर बालबन की रिटायरमेंट के बाद हो गया। पहले की स्थान होती थी, टाइम होता था, बनाया जो दे दिया, दोबारा उस पर सोचना नहीं। अब टाइम बहुत होता है, ज्यादा कुछ करने को है नहीं सिवाय पेंटिंग के या डिजाइनिंग के, अगर कर रहा हूँ तो। मैं अगर मैंने कोई पेंटिंग बना दी है, रख दी है, मैं पेंटिंग यहीं रख देता हूँ अपने ड्राइंग रूम में, पड़ी रहती है पेंटिंग मेरे, क्योंकि होता है क्या, जो वर्किंग वाला कमरा होता है उसमें पेंटिंग आपको लुक देती नहीं है, राइट पेंटिंग लुक देगी जब वो एक नॉर्मल एटमोसफियर में जाती है। तो मैं पेंटिंग बनाने के बाद, मेरी 3 4 पेंटिंग पड़ी रहती है ऐसी सामने पड़ी रहती है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरी मिसेस खींचती रहती है, मैं उसके लिए सुबह, क्योंकि मेड आती है, सफाई पाई के हिसाब से उसको हटा देता हूँ, जी लेकिन जी वो दिन में वहीं पड़ी रहती है और मैं गुजरते उड़ते देखता रहता हूँ। और अगर मैंने 10 बार देखने के बाद मुझे पेंटिंग में लगा कि ये कमी है, तो मैं पेंटिंग को उठाता हूँ, उस पर कर देता हूँ छोटा मोटा टच। और अगर मुझे लगा कि नहीं यार ये ठीक है, इसको हम इसको भूलना जरूरी है, इसको टच, पेंटिंग को रीटच करना आसान नहीं होता, इसके रीजन बताता हूँ, तो मैं उसमें उसको छोड़ देता हूँ, कर लेता हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हो कि पेंटिंग कब लगता है कि खत्म हो गई है, उस वो पेंटिंग जब मेरे उस पर चढ़ी हुई होती है, जहां मैं काम कर रहा होता हूँ, वॉल पे लगी हुई होती है, जब मैं खड़े होके काम करता हूँ जनरली, तो जब वो लगी होती है मैं उसको देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो होने लगती है। पहली बात तो देखो, सब्जेक्ट इतना आसान नहीं होता, मैं लैंडस्केप नहीं बनाता हूँ, मैं पोर्ट्रेट नहीं बनाता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ कि जो रेफरेंस से काम हो, मुझे सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट होता है। कैनवस आपके पास ब्लैंक होता है, पूरा कैनवस आपको गाइड करता है, एक 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 दो लेयर के बाद कैनवस आपको गाइड करता है। जी कैनवस अच्छा पेंटिंग में बस यही प्रॉब्लम है कि वो आपको एक दो लेयर लगाने के बाद ना, हर टेक्सचर, हर पैच आपको एक कहानी बताने लगता है, एक सिस्टम बताने लगता है, आप उसके हिसाब से उसी उसमें जाते हो। मेरी पेंटिंग में, मेरा अपना मानना यह है कि मेरी पेंटिंग्स जो है, कैनवस आपको जो जो अवेलेबल है, जो दिख रहा है वो गाइड करता है। उसमें गाइडेंस ये भी होती है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ मुझे कम कर दो, उसमें गाइडेंस ये भी होता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है इसको संभाल लो, वो गाइड आपको कैनवस ही करेगा। मेरी पेंटिंग स्कीमेटिक नहीं होती है, पेंटिंग स्कीमेटिक से मतलब यह है कि आप प्लान नहीं कर सकते, मेरी पेंटिंग प्लान नहीं होती है, मतलब फाइनल एक अगर आउटपुट क्या है वो आप पहले नहीं, वो रहता आपका। हो ही नहीं सकता, जी जी है जी ही नहीं, समझ सिस्टम रहा में ही नहीं है वो। और आप अगर मेरी पेंटिंग देखोगे, इनफैक्ट कोई गौर करता होगा, मेरी पेंटिंग में कई तरह के ट्रीटमेंट दिखते हैं, एक ही पेंटिंग दूसरे तरीके से। अभी रिसेंट एक पेंटिंग है, वो बहुत बोल्ड स्ट्रोक में, और एक पेंटिंग है जो टेक्सचर बेस्ड चल रही है, एक पेंटिंग
पेंटिंग है जिसमें मैंने डाइल्यूटेड टोन ली हुई है, लेकिन उसमें फिर थिक टोन्स भी आई है। लेकिन ये मेरा, मैं करता नहीं हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट जो लगती है उस हिसाब से मेरा ब्रश घूमता है। तो पेंटिंग बताती जाती है, बताती जाती है, कई बार इट्स अबाउट 20 लेयर्स, 20 लेयर के बाद आपको लगता है ये पेंटिंग खत्म हो गई है, या आपको लगता है कि यार अब मैं इसको छेड़ नहीं सकता, मतलब मैं इतना पस्त हो गया हूं कि मुझे इसको रोकना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेंटिंग को उठा के रख देता हूँ। अब रखने लगा हूँ, शुरू में तो मेरे को पता रहता था मैंने पेंटिंग कर दी, ये पेंटिंग हो गई, ये पता लग जाता था। मैं कुछ पेंटिंग में सीधे साइन कर देता हूँ, वो पेंटिंग बोल जाती है कि हाँ मैं हो गई पूरी, तो जी मैं उसको जी साइन कर देता हूँ। जनरली मैं पेंटिंग पे साइन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एक कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अभी दिमाग में नहीं आ रहा। एक पेंटिंग मैंने बनाई, मैंने कन्विक्टेड करके पेंटिंग है, उसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक पोर्ट्रेट लेके चला, और बिल्कुल कंटेम्प्रेरी था, बहुत टूटा फूटा ये वो सब चला उसमें। जी जी चलते चलते मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार ये कुछ कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने उसको, छोटी पेंटिंग थी पेपर की, मैंने उसको, जो मेरा रूम है उसका दरवाजा बंद रहता है अंदर से, मैंने उसके बैक साइड पे दरवाजे पे टेप लगा के रख दी। मैं अपने दूसरे काम करता रहा, 3 4 दिन, चौथे दिन मुझे लगा कि इसमें ये चाहिए। मैंने वो उसमें रेड स्ट्रिप लगाई, एक तो ग्रे थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसमें एक हल्की सी मैरून डार्क रेड स्ट्रिप लगा के उसके फेस पे, उस पर लिप्स बंद कर दिए। जी पर इतना करते ही वो पेंटिंग ऐसी हुई कि मुझे लगा यार इससे बढ़िया पेंटिंग हो ही नहीं सकती। आज भी वो वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है। मैंने इसे फेसबुक पे डाली, वो फेसबुक पे फॉरेन कंट्रीज के कुछ लोगों ने इसको यूज किया, इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी, अच्छा, एज अ रेफरेंस यूज किया होगा। उन्होंने कोई वीडियो बनाई जो इनजस्टिस वगैरह पे थी, ओके जी मतलब जैसे जो जो कुछ गड़बड़े होती हैं, जी जी डिस्टरबेंसेस होती हैं, सोशल डिस्टरबेंसेस होती हैं, उस पे उन्होंने वीडियो बनाई, उस वीडियो में इसको यूज किया, उस वीडियो को मुझे भेजा, उसने बोला मेरे पास, मैं लिंक भेजूंगा आपको, जी 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 श्योर उसने उसने मुझे ये बोला कि मैंने ये यूज किया है विदाउट योर परमिशन, प्लीज गिव अस द परमिशन। तो मैंने उसको बोला आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग ऑनर्ड दैट यू यूज दिस वर्क फॉर योर। उस वक्त बहुत स्टार्ट था मेरा, लोग जानना चालू कर रहे थे उस वक्त, ये था कि भाई आज की डेट पे भी मेरे को बुरा नहीं लगता पेंटिंग मेरी यूज कर रहा है, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। एक बांग्लादेश का एक आर्टिस्ट है, उसने वो एक पेंटिंग उसने मेरी लगाई भी है, वो दूसरे तरीके से है, लेकिन वो भी वैसी सी कुछ है, लेकिन वो थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच है। तो उसने वो पेंटिंग अपने उस पर लगाई, प्रोफाइल पे पेंटिंग ने लगा रखी है, मेरी निगाह में वो प्रोफाइल आ गई इसकी, बाई चांस किसी तरीके से कैसे आई मुझे नहीं पता, या उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा एटलीस्ट गिव द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इन द, तो उसने कहा सर मैं बहुत इम्प्रेस था इस पेंटिंग से, इस पे नाम डाल नहीं सकता, तो आई डिडंट गिव इट। उसके बाद उसने मुझे बिल्कुल फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो मैंने उसको फिर ओके किया। फिर मैं पहले दोबारा देखा, मैं भूल गया था उसके बारे में, दोबारा देखा कि मैंने उसको, मतलब ये तो मेरी पेंटिंग है, मैंने जी उसकी प्रोफाइल चेक करी तो उसमें वो पेंटिंग पे रिमार्क आए हुए थे, तो ये पेंटिंग अच्छी है ये वो करके, तो मेरा भी रिमार्क पड़ा हुआ था उसमें कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं दिया उसमें। जी 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 तो लोग यूज करते हैं, करना भी चाहिए। अगर कोई पेंटिंग आपका, देखो अगर आप, आपने रघु राय की किसी फोटोग्राफ का प्रिंट निकाल के अपने घर में लगा रखा, जी इससे काइंड ऑफ एप्रिसिएशन ना, राइट बिल्कुल एप्रिसिएशन तो है ही। तो रघु राय को ये कि तुमने खरीदी, पैसे दिए नहीं दिए, ये बिल्कुल काउंट नहीं करता उसके लिए, रघु राय के लिए, मतलब अभी तो मेरे को, मुझे लगता नहीं वो है, लेकिन उनको कभी काउंट नहीं करता। एक बार जतीन दास सर से मैं मिला था, तो उनकी एक शो थी अर्धन बॉडीज करके, एक शो चल रहा था वहाँ रघु म्यूजियम राय जी आर्कियोलॉजी हैं, में। रघु राय जी हैं वैसे अभी। अच्छा है अभी, जी जी अच्छा जी ओके सॉरी। तो ना ना कोई दिक्कत नहीं। मैं उनसे मिला जतीन दास से, तो जतीन दास सर से, तो वो पोस्टर पे साइन करके 1000 रुपये का बेच रहे थे, अच्छा बेच रहे मतलब उन्होंने सिस्टम ही किया हुआ था, उनकी पेंटिंग का पोस्टर ले लो 100 रुपये का है, और अगर आप साइन पोस्टर लेते हो देन यू नीड टू पे 1000 रुपये। तो जो लड़की बैठी, जितिन भी वही थे, मैं तो पहचानता था उनको, जी जी और मेरी उम्र भी काफी थी, ऐसा नहीं है कि मैं उनको, वो मतलब मैं उनसे मिल नहीं सकता था, और अपनी लाइन में मैं अपने इलस्ट्रेशन की फील्ड में रहा हूँ 30 मार का, तो मुझे डर भी नहीं लगता किसी से बात बिल्कुल करने। तो मैंने कहा मैं 1000 रुपये का तो लूंगा नहीं, लड़की को बोला मैंने, मैंने कहा आप 100 रुपये का दे दो, 100 रुपये का उसने पोस्टर दे दिया। मैं अब जतिन सर के पास गया,
मैंने कहा सर वो 1000 का नहीं खरीदूंगा, मैं इस पे साइन कर दूँ। तो उन्होंने मुझे कहा 5 मिनट इंतजार करो। फिर मेरे से पूछा क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं पेंटिंग करता हूँ, लेकिन अभी ये बात है 2003-04 की बात है, सर जी 5 जी की होगी या 7 की होगी, उसी की बात है जब मैं एग्जीबिशन में बहुत जाया करता। तो जी मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे पेंटिंग कर रहा हूँ, बट अभी मैं कहीं नहीं हूँ, अभी तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, कभी जी मिलूंगा आपसे दोबारा इस पर। फिर उनके साथ एक उनका एक एनजीएमए का एक शो था, जी वहां उन्होंने एनजीएमए में उन्होंने कुछ उस वक्त कोई सुनामी या कोई बाढ़ वाड़ कुछ आई थी, जी कश्मीर जी में आई जी थी या सुनामी आया था, उससे रिलेटेड उन्होंने फंड रेजर करी थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तब मैं जतिन सर से मिला, फिर 2-3 बार मिल चुका हूँ, तो पहचानते हैं मेरे को, मतलब शक्ल से पहचानते हैं, जोएल नाम से तो नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मेरे काम से पहचानते होंगे, जी जी लेकिन अब जी मैं मिलता हूँ तो उनको पहचान आ जाता है कि हाँ ये जोएल। और सर एक तो जो एपिस जी एक जो जैसे कि एक अच्छा पेंटर होगा या एक्सपीरियंस पेंटर होगा, उसके पास में आपको क्या लगता है कि कौन सी क्वालिटी उसको एक ज्यादा बेहतर आर्टिस्ट बनाती है, ये क्वालिटी की वो कितनी जल्दी अपने काम को खत्म मतलब करता है और करने के बाद उससे डिटैच हो जाता है, या कितना टाइम वो उसमें और इनग्रेन रहता है? जैसे आप बोल रहे हो कि पहले तो आप करके छोड़ देते थे, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो मतलब एक कॉमन फिनोमेना तो ये होता है कि जैसे हमें एक्सपीरियंस होगा हम बहुत जल्दी जल्दी काम करके उसको छोड़ देंगे कि हमने तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आर्ट के साथ में या आपके साथ में कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप और ज्यादा सोचने लग जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि एक बेहतर आर्टिस्ट इस डायरेक्शन में जाता है टाइमलाइन का, अगर मैं बात करूं कि इस तरफ को रहता है? देखो किसे बेहतर पेंटर मानता हूँ उस पर तो मेरा कोई कमेंट है नहीं, मेरी कोई जी 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 ऑब्जर्वेशन इस पे है नहीं, लेकिन एक पेंटर के लिए क्या जरूरी है वो मैं शेयर कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल, और उसमें आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो जी वो जी कोई जी इशू नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना एक ऑब्जर्वेशन होती है। राइट मेरा अपना मानना यह है कि ये एक स्टेटमेंट मैंने सुनी थी बहुत पहले जब मैं बालभवन में था, कि पेंटिंग ग्रो करती है। अब वो पेंटिंग कैसे ग्रो करती है, स्टेटमेंट ये है, किसने बोली हुई है, कहाँ से आई, मेरे पास ये बिल्कुल आइडिया नहीं है, मेरी नहीं है स्टेटमेंट। मानना यह है कि जैसे आप अपने एक फोटोग्राफ को देखते हो, आपने सन 2005 में एक फोटो खींचा, फोटो खींचा खींचा, 2010 में आप उसको दोबारा देखते हो, यू फाइंड समथिंग न्यू इन दैट, आपको लगता है कि यार ये बात तो बहुत बढ़िया तरीके से हुई है, मैंने तो गौर ही नहीं करा। ओरिजिनली क्या है, आप कहोगे तो आप फोटो ग्रो कर गई, लेकिन फोटो नहीं ग्रो करती, 5 साल में जो आपका एक्सपीरियंस आया, आपका व्यूइंग का एक्सपीरियंस आया, वो ग्रोथ ले चुका है। वो ग्रोथ कर दिया। उसके साथ साथ जिस भी काम को आप देखोगे उसमें आपको कुछ नया कुछ दिख सकता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ है तो वो पेंटिंग में दिखेगी दिखेगी, आपका नजरिए में ग्रोथ है तो आप किसी काम को देखते हो तो आपको, मतलब कोई गाना भी सुनते हो और गाना आपने बचपन में सुना हुआ है, एक अच्छी उम्र पे सुना हुआ है, फिर ये एडल्ट होने के बाद सुना हुआ है, सब में डिफरेंट होता है। पहले गाने जो सुनते थे उसमें आपको शायद म्यूजिक पसंद आता होगा, फिर आप बाय चांस प्यार में धोखा खा गए तो फिर आपको उसमें लिरिक्स लिरिक्स पसंद आने लगे। तो ये ग्रोथ गाने की नहीं है, गाना इंसान की तो है। एज इट इज है, इंसान की ग्रोथ है। तो जो पेंटिंग ग्रो कहते हैं वो ओरिजिनली व्यूअर की ग्रोथ के हिसाब से। अब दूसरी बात है कि आर्टिस्ट भी जो है ना, जो पेंटिंग करता है, मेरी पेंटिंग जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से रिलेटेड होती है। मुझे लगता है कि जैसे एक कैरेक्टर होता है, जैसे जब कोई एक्टर जो है वो किसी कैरेक्टर में होता है तो उस कैरेक्टर को जीता है, तब वो उस कैरेक्टर को परफॉर्म कर सकता है। यानी कि बुड्ढे का रोल है, अगर अनुपम खेर ने सारांश एक सारांश वाला रोल जो किया है उसको उस कैरेक्टर में जीना पड़ा, बिल्कुल ठीक है, उस सारे सर्कमस्टांस को फील करना पड़ा कि वो इसका कोई बेटा है जिसकी डेथ हो गई है, राइट वो लेने गया है, तो वो जीना पड़ता है। एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को जीता है, मेरा पर्सनल मानना है, जी इस पे जी जी कोई दो राय रख सकता है, मुझे अगर कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता तो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जब मैं पेंटिंग करता हूँ या किसी फॉर्म पे काम कर रहा होता हूँ, मैं उस फॉर्म के पीड़ा को या उस फॉर्म की इवन इलस्ट्रेशन में भी उस लाइवलीनेस को मैं जीता हूँ, बिल्कुल और जब तक जी नहीं पाता हूँ उसके हिसाब से मेरे हाथों का जो लाइन है वो निकल नहीं सकती, कलर उस पोजिशन पे नहीं आते। अब इस बात का बताने का मतलब समझो कि
मैं आज बहुत दुखी मूड में हूँ। मैंने एक पेंटिंग करी हफ्ते तक, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैंने डिस्टर्बेंस में पेंटिंग कर ली। साल भर बाद मेरे पास बहुत पैसा आ गया, याशी आ गई, ये हो गया, मैं उस पेंटिंग को दोबारा जी नहीं सकता क्योंकि मेरे सरकमस्टेंसेस चेंज हुए हैं। तो पेंटिंग जो है, जिस टाइम की पेंटिंग होती है, वो पेंटिंग उसी वक्त टच हो सकती है, उसी वक्त कंप्लीट हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, जिस येलो कलर को या जिस ब्राउन कलर को आप पसंद कर रहे हो, उस ब्राउन कलर, वो ब्राउन कलर आपको चुभने लगेगा, बिकॉज यू हैड यू 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 आर चेंज, आपका वो मेंटल सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो बेसिकली आप उस पेंटिंग को जो आपने एक टाइम पे बना के रख दी थी, अब उसको आप और बेहतर कर रहे हो, ये कहना थोड़ा मतलब वो है, बट आप उसको चेंज कर रहे हो क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। हाँ, छू नहीं सकते आप, पेंटिंग का बेसिक नहीं चेंज कर सकते। हाँ आप टचअप कर सकते हो, टचअप से मेरा मतलब है, आपको लगता है कि येलो कलर खराब हो गया, येलो दोबारा लगा दूं, आप कहो कि येलो का ग्रीन कर दूंगा, देन आप उस पेंटिंग के साथ न्याय नहीं कर रहे। आपने जो स्टेटमेंट जिस सरकमस्टांसिस में दी है, वो स्टेटमेंट वैसी है, बाद में अगर आप करते हो तो आप उस सरकमस्टांसिस के साथ एडिटिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी पूरी स्टेटमेंट को एडिट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर लाइंग नाउ। आपने 10 राइट चीजें पढ़ ली, 10 तरीके सोच लिया, आप फेक कर रहे हो। मैं जो अभी बोल रहा हूं, अगर मैं इसको एडिट करके कोई शब्द चेंज कराता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने 10 किताबें पढ़ ली, सेकंड थॉट है, ओरिजिनल थॉट नहीं है। समझ रहा ओरिजिनल हूं। वही है जो आपने जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काम किया हुआ। अगर गोया ने ब्लैक पेंटिंग्स की थी, तो वो उस सरकमस्टांसिस की वजह से की थी, ना पहले कर पाया ना बाद में कर पाया। राइट मैं समझ रहा हूं, मतलब अगर इंटेलेक्चुअल स्पीयर में देखा जाए कि क्या मैं बोल रहा हूं अभी, उसमें तो हम ग्रो कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आर्ट की फील्ड में जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो प्योर एक्सप्रेशन उसी टाइम पे है जो हमने किया। जो जो स्टेटमेंट आपने दे दी, जो भी स्टेटमेंट से मेरा मतलब है, राइटिंग में स्टेटमेंट दे दी, पोइट्री आपने लिख दी फॉर किताब दैट लिख दी, मैटर, पोइट्री लिख दी, एग्जैक्ट वर्ड है, मैं लिखता आपने हूं क्योंकि पोइट्री मैं क्रिएट वो समझ कर, पा रहा हूं, क्योंकि जिस टाइम पे लिख रहा होता हूं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आंसू आ रहे हैं एक टाइम पे और मैं लिख रहा हूं, एग्जैक्टली और 6 महीने बाद जब मैं उसको पढ़ रहा हूं तो मुझे लगता है यार मैं रो क्यों रहा था। आप उसको अगर चेंज करते हो, एडिट करते हो, देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस। राइट समझ रहा हूं ठीक सर। है, और कुछ पेंटिंग्स मैंने गलती करी है, 6 महीने 8 महीने पुरानी बात है, या 7 साल हो गया। एक पेंटिंग मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं है, मैंने उस पेंटिंग को टच कर दिया, वन ऑफ द बेस्ट अप्रिशिएटेड पेंटिंग थी जी। वो टच कर दिया, वो टचिंग में ही खत्म हो गई, मैं कर ही नहीं पाया उसको दोबारा। मैं चेंज नहीं करना मांग रहा था, लेकिन टचअप भी नहीं कर पाते हैं। वो जो स्ट्रोक्स और वो जो सिस्टम चलता है, वो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड में चलता है, और राइट अगर आप उस स्ट्रोक्स को और पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड को जीने, आप उसको आदत बना लेते हो, तो फिर आपसे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं। ये मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब आप अगर इतने प्रोफिशिएंट हो जाते हो कि आप, मतलब मैं उसमें नहीं आता हूँ, इस कैटेगरी में आते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, जैसे हुसैन के टाइम में था, एम एफ हुसैन जो थे, जो पैच लगा दिया करते थे वो फाइनल होता था। अच्छा एम एफ हुसैन का अगर काम आप स्टडी करो, अगर कभी जाना नेशनल गैलरी एनजीएम में जाना, वहां हुसैन का ओरिजिनल काम आप देखोगे, आप पागल हो जाओगे। मतलब एक अगर स्ट्रोक मार दिया तो मार दिया, उस स्ट्रोक की एडिट नहीं किया उन्होंने। वो जीनियस उस मोमेंट पे निकल गया उस जगह पे। वो टाइम बहुत बाद में आता है, वो जैसे रजा का काम आप देखो, रजा साहब का काम आप देखो, उनका जो एक पैच लग गया, वो लग गया, उसको वहां से स्टार्ट होते हैं दिग्गज होना, वहां से स्टार्ट होता है मास्टर होना। लोग किसी को भी मास्टर बोल देते हैं, जी जो जी इनकी जी पेंटिंग अच्छी है मास्टर है ये वो, नहीं ऐसा नहीं है। मास्टरी के लिए फिर आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है, और वो उसके लिए आपका पैशन होना। जैसे बापू जो थे, महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी के हर स्टेटमेंट जो है एक 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 गोल्डन वर्ड्स की वो गोल्डन है, स्टेटमेंट। प्रॉपर्टी है, गोल्डन स्टेटमेंट है, क्योंकि वो इतना इतना मतलब इतना सोच चुके थे, इतना मरने से पहले भी जब उनको गोली मारी गई तो कह रहे हैं कि मैं इनको क्षमा करता हूं। मतलब वो बंदा क्या होगा यार, राइट राइट जिसके गोली लगी है वो मारने वाले को क्षमा कर रहा है।
इन इतनी डेप्थ में लोग पर्सनैलिटीज के बारे में नहीं सोचते, यहाँ क्लियर कट नैरेटिव हो जाता है अच्छे बुरे के बीच में डिस्टिंक्शन, और उसी से जज करके फाइनल वो हो गया। नहीं, वो बात यह है कि आपको सोचने की क्षमता पे चक्कर है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको एनालिसिस नहीं बता रहा, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं दे रहा, वो आपको स्कीमेटिक तरीके से पढ़ा रहा है, फिर उम्मीद करता है कि आप उसी हिसाब से चलते रहो। आपके सामने वो सिस्टम ऐसा है कि आपने अगर फर्स्ट डिवीजन ली हुई है, सेकंड डिवीजन ली हुई है, आप ये वो करते। इसलिए जो IAS के सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ एनालिटिक थिंकिंग वाले लोग पहुंच पाते हैं, और ये लोग वो पहुंच पाते हैं जिनकी अपनी स्टेटमेंट होती है, अपना सिस्टम होता है। और उसमें भी अभी जो कॉलेज खुल गए हैं, जो नया जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग स्कूल्स खुल गए, वो आपको इतने शॉर्टकट्स बताते हैं। मेरा बेटा सिविल की तैयारी कर रहा था बिफोर गोइंग टू UK, ही सेट में सिविल करूंगा, तो एक बार कहने लगा मुझे कोचिंग के लिए जाना है, तो वो एक कोई डेमो क्लास हो रही है, तो आप चलो ऐसा देख लेना कैसी है, तो मुझे बता देना। मेरी उसकी बहुत पटती थी क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे बातें कर लिया करते, तो मैं उसके साथ गया क्लास में, तो वो उन्होंने दो तीन बातें बोलने के बाद ये बोला कि हम आपको शॉर्टकट्स में ये बताएंगे। अब यार स्टडी का क्या शॉर्टकट है, आर्ट का, स्टडी का, फोटोग्राफी का, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, मतलब स्टडी का तो एम ही यही है ना कि आपको सोचना समझा सके, अगर आपको प्रोसेस ही हाथ में दे दी तो फिर इंसान का डेवलपमेंट। शॉर्टकट्स कम्स विद राइडर्स। देखो आप जा रहे हो यहाँ से जयपुर, आप स्ट्रेट चल रहे हो, आपका एक हाईवे है, आपको लगता है यार बीच में टोल टैक्स आ रहे हैं, मैं यहाँ से इस टोल टैक्स को ऐसे कट के अंदर अंदर निकल के बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो राइडर से मेरा मतलब है जो हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे हो, वो ड्राइविंग खत्म हो जाती है जब आप इंटीरियर में घुस जाते हो, तो फिर शॉर्टकट क्या हुए। मेरे पास बाइक थी, मैंने कभी लाइफ में शॉर्टकट यूज ही नहीं करा। अपने रोड पे जाना है, यहाँ से रास्ता कटेगा तो मेरे 2 रुपए का पेट्रोल बच जाएगा, ये बच जाएगा। आई नेवर बिलीव इन दिस। शॉर्टकट लाइफ में कहीं नहीं लेके जाते। पेंटिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो लोग शॉर्टकट के बेस पे बैठे हुए हैं, या उनके लिए मेरा मैसेज है कि अगर वो सोचते हैं कि शॉर्टकट होता है किसी चीज का लाइफ में, नहीं होता। आप काम करते रहो, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो और ही चली जाएंगी। अगर आपने शॉर्टकट ढूंढे और मैनिपुलेशन वाले गेम स्टार्ट किए, आपको सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती मैनिपुलेशन से, आप रातों रात सीनियर 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 हो जाते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल जगह पे जाते हैं। देखो आप फोटोग्राफी करते हो, आज की डेट में आपको कम से कम 5000 लोग जो है आपसे जुड़े हुए हैं, एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। वो उस जुड़ने के लिए आपने क्या रास्ते अपनाए, फेसबुक अपना लिया, अपने एग्जीबिशन, हर एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन में पहुंच गए, हर जर्नलिस्ट से जाके दोस्ती करी, कुछ एक को लेटर डाले, फेसबुक के थ्रू करा, आपको 5000 लोग जान लिया। लेकिन जब आप अपने फोटोग्राफ को रेट करना चाहोगे, जो आपके भाई बंद हैं, जो दोस्त यार हैं, वो आपको 5-स्टार रेटिंग देते चले जाएंगे, पर द मोमेंट आप किसी ऐसे के पास जाओगे जो जानकार है, वो बोल ही नहीं पाएगा, आपको कुछ नहीं कह पाएगा अगर आपके फोटोग्राफ में वर्थ नहीं होगी। राइट, अगर उसकी वर्थ होगी तो जिस कोने से आपको उम्मीद नहीं है, उस कोने से आपको खुद ही फोन आ जाएगा कि यार कहाँ हो विपिन, कहाँ बैठे हो, कहाँ पे हो, कैसे हो। ये तो फोटोग्राफ आपका कमाल का फोटोग्राफ है, आप मुझे और फोटोग्राफ भेज दें, वो आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दे रहा, लेकिन जिसके दिल पे लगती है वो ओरिजिनल होता है। सही बात है सर। मेरे को, मैंने सहा है मेरी पेंटिंग्स को, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आए, यहीं से फोन नहीं आए, फॉरेन कंट्री से मैसेज आए मेरे पास, जिनका कोई मेरे से लेना देना नहीं है। राइट, वो लेकिन आपके काम में बात होनी चाहिए। मैंने लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाया। फेसबुक का मैं थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे मौके दिए कि मैं अपनी पेंटिंग डालता रहा। एक टाइम ऐसा आया लोग जानते हैं, और अब काफी लोग जानते हैं, और बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। राइट, सो कॉल्ड सीनियर बहुत बड़े बड़े लोग जानते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स आपको, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 40 साल से एग्जीबिशन लगा रहे हैं और आज की डेट में आज मुझे सर करके बात करते हैं, जो 40 साल से लगे हुए हैं। और मुझे कई लोगों ने ये शेयर करा था कि आप
मिला करो, देखा करो, ये करा करो, वो करा करो। मेरा उस हाँ वक्त टास्क फोकस ये था कि मैं पेंटिंग को मुझे एक लेवल पे लेके आना है। मैं मेरे लिए मिलना जुलना इतना, मैं शो बहुत देख चुका था, एग्जीबिशन बहुत देख चुका था जिस जी वक्त तक मैं लर्निंग मतलब एक्सप्लोरिंग पोजिशन पोजिशन पे था, तो जी मैं बहुत शो देख चुका था। लेकिन फिर मुझे लगा कि अल्टीमेटली कुछ नहीं है, अगर पेंटिंग ठीक नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर फिर कुछ नहीं। तो वो मैनिपुलेटेड है। फिर तो वैसे भाई किसी के साथ जाके पार्टी खड़े हो जाओ, दो बातें कर लो, लोग हाँ हाँ जानना तो आज के डेट में आसान काम है, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर काम के थ्रू जानते हैं तब आपकी वैल्यू है, तब हाँ, वो उसकी फिर खुशी भी अलग ही होती है ना सर। जो आपने उसकी वो खुशी अलग एप्रिसिएशन की होती है। बात करी ना, वो अभी तक मेरे साथ में तो एक ही बार हुई है वो चीज। ये जो एग्जीबिशन था अपना जिसमें हम थे साथ में, उससे पहले मेरा एक एग्जीबिशन, मेरे को पता भी नहीं, सडनली आउट ऑफ नोवेयर मुझे मेल आता है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी न्यूयॉर्क से, और वो मुझे कहते हैं कि आपकी ये एक फोटोग्राफ है, ये हम यहाँ पे एग्जीबिशन में लगा रहे हैं। ऑनलाइन कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन हुआ था वो एग्जीबिशन, तो क्या जान क्या बात है, क्या हाँ, बात है। तो वो आउट ऑफ नो, मतलब मैं ऐसा, मतलब सोसाइटी से कह लो या ऐसे, वो ही है रियल एप्रिसिएशन। हाँ मैं ऐसे उससे आता हूँ मैं जहां पे आपको एप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब कर दूं, बिल्कुल जी जी बोलिए बोलिए सर प्लीज। मैं अगर अप्रिशिएट कर देता हूँ बिकॉज आई नो विपिन, आई मेट हिम इन एग्जीबिशन, तो राइट मेरी मेरी हालांकि मैं जब अप्रिशिएट करूंगा मेरे वर्ड्स में सच्चाई होगी, अगर मैं अप्रिशिएट करूंगा तो बड़े लेवल पे करूंगा, और नहीं तो दो बातें करके करूंगा। लेकिन राइट ओरिजिनल अप्रिशिएशन वो है जो जो आपको नहीं जानता, आपके फोटोग्राफ से आपको जान रहा है, हाँ, उस दिन वो ही मेरे को आइडिया अप्रिशिएशन है। लगा कि मतलब मेरे को तो कोई, मैं गली में इधर एरिया में कोई नहीं बात करता था, मेरे काम किसी को मतलब नहीं उन सब चीजों से, आउट ऑफ नोवेयर उनका मेल आ गया। मैंने तो, मेरे को पहले यकीन नहीं हुआ ना, तो मैं पहले देखता रहा बहुत देर तक। मैंने वो सब्जेक्ट लाइन, हाँ मैंने सब्जेक्ट लाइन चेक करी, मैंने उनका वो देखा हाँ कौन से ईमेल से आया, मैंने बोला यार ये सही में आ रखा है। फिर मैंने उनकी वेबसाइट पे गया, वहां मैंने दोबारा चेक करा, क्रॉस चेक की मेल सही है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है कोई। तो फिर जब बाद में जाकर के मेरे को समझ आया नहीं भाई ठीक है, उस दिन जो तसल्ली हुई थी, उस दिन जो नींद आई थी, मुझे लगा कि चलो मैं इतने साल से कुछ 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 अपने हिसाब से करने पे लगा हूँ, एटलीस्ट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्पॉट करके उसको वो कर दिया कि यार चलो ये काम आपका अच्छा लगा, ये हम यहाँ पे लगा रहे। तो बिल्कुल सर मुझे मेरे को इनफैक्ट एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है आर्ट का, वो पता नहीं कहाँ का शो करते हैं, मतलब ग्रीस करेंगे, जी। फ्रांस करेंगे, दुबई करेंगे, वो बेचारे पता नहीं कितनी बार बुला चुके हैं। लेकिन उनके केस में मुझे प्रॉब्लम क्या है कि उनका खर्चा बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे सिलेक्ट कर चुके हैं, कम से कम 20 उनके मैसेजेस आ चुके हैं, तो पूरी डिटेल्स आई हुई है। अब चक्कर यह है कि उनको मतलब खर्चा ज्यादा नहीं है, अगर टेक्निकली देखो तो बहुत कुछ भी खर्चा नहीं है, कि आपने तकरीबन 1.5 लाख के करीब देने हैं उनको, उसमें आपका स्टे भी है, उसके आपकी एग्जीबिशन भी है, आपका खाना पीना भी है, वो 5-6 दिन के लिए आपका टूर भी रहेंगे, वीजा भी करा के देंगे, सब कुछ देंगे। 1.5 लाख कुछ ज्यादा नहीं है, किसी भी कंट्री में जाओगे 1.5 लाख लगने ही लगने। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि 1.5 लाख मैं अपने दूंगा, 1 लाख रुपए मिसेस के दूंगा, ठीक है, फिर 2 लाख के मेरे 1.5 लाख के मेरे टिकट्स होंगे, मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है, 3-4 लाख का है, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल। मैंने उनको बोला हुआ है मैं पार्टिसिपेट तो करूंगा, लेकिन मैं इसमें एक और रीजन था, मैं ये चाहता था कि मैं जब मैं जाऊं उन लोगों के बीच में तो मेरे पास इतनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि मैं कुछ कर सकूं वहां पे, जी ऐसा तो जी है नहीं कि वहां पेंटिंग नहीं होगी, तो जी इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ था कि मेरे को टाइम लगता है बहुत सारी चीजें करने में, तो मुझे ये था कि नहीं मैं जब जब मेरे को पता लग जाएगा, जब मैं उस लेवल पे होऊंगा कि मैंने एक स्ट्रोक मार दिया तो मार दिया, तब जाऊंगा, तो वो हो सकता है मैं अगले साल जाऊं। ये तो सर बहुत और बड़ी बात हाँ है जी। ये बड़ी क्या, देखो पैसा है, पैसा पड़ा हुआ है, कहीं से आया है, कोई पेमेंट आई है, कमर्शियली मैं काम करता ही हूँ, जी 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 मेरी बुक्स के भी पैसे आते ही हैं, मेरे जी जो जी रॉयल्टी वगैरह अभी तक तो आते हैं फिलहाल, तो राइट वो वैसे मेरी पेंशन आती है, मैं बालबोन से रिटायरमेंट जो है पेंशनर भी हूँ, जी 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 तो जी मेरे को जो पैसे हैं अभी उसका करना है क्या है, चीजें पूरी हो चुकी हैं, बेटा पढ़ चुका है, मैं और मेरे मिसेज अब नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे, दिमाग में है कि जाना है जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब सर पैसे से रिलेटेड आपने बात करी ना, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है जो कि ना बहुत प्रैक्टिकल लेवल का क्वेश्चन है ये। आपको मतलब, मेरे को जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ ना, बहुत जगह पे ये चीज बोली जाती है कि आर्टिस्ट लोग ना अब पैसे के मामले में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, या आर्ट की फील्ड में फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप इस चीज को मानते हो? आपने जो अपने एक्सपीरियंस से, इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपने देखा है,
क्या आज भी वो सिनेरियो वैसा ही है या टाइम चेंज हुआ है, बदलते समय के साथ में वो चीज बदली है, क्या लगता है देखो, आपको? जब जब आर्ट बोलते हो, मैं दो चीजों को लेता हूँ, एक होती है कमर्शियल आर्ट, एक होती है फाइन आर्ट, जैसे पेंटिंग, कंटेम्पररी पेंटिंग कहते हैं। जी, फाइन आर्ट में आपके पास खर्चा कुछ नहीं है एंड यू हैव मनी, मतलब आप एक पेपर के ऊपर एक स्केच पेन से, 5 रुपए के स्केच पेन से एक ड्राइंग करके देते हो, आपको 100 रुपए की ड्राइंग बिक जाती है, मिल जाते हैं पैसे अगर आप में टैलेंट है तो। ठीक है, तो वो एरिया तो आप छोड़ दो, उसमें तो पैसा ही पैसा है, इलस्ट्रेशन में बहुत पैसा है, प्रोवाइडेड आपके पास टैलेंट है या नहीं, ध्यान रखें। क्योंकि इतनी इतने एरिनाज हैं, इतनी जगहें हैं जहाँ पे एक इलस्ट्रेटर काम कर सकता है। मैं इनफैक्ट अपनी क्लासेस जो स्टूडेंट्स के साथ बात करता था आर्ट में, मैं उनको कहता था कि पहले कहते थे कि आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप आर्ट कर रहे हो तो आर्ट के एरिना, मतलब आप शू भी डिजाइन कर रहे हो तो आर्टिस्ट चाहिए, फर्नीचर डिजाइन कर रहे हो तो आर्टिस्ट चाहिए, फैब्रिक डिजाइन कर रहे हो तो आर्टिस्ट चाहिए, उसका जो प्रिंट, जो जो क्या कहते हैं इसको, जो वो प्रिंटिंग वगैरह होती है उसकी, फैब्रिक की, उसका नाम, टेक्निकल नाम भूल रहा हूँ, वो चाहिए तो वो डिजाइनिंग चाहिए, आपको फैशन डिजाइनर है तो आर्टिस्ट चाहिए, और आठ हर कोई जगह है ऐसी जगह नहीं है, आर्ट आर्ट के बगैर तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। कुछ नहीं है। आपने जो हेडफोन लगा रखे हैं वो किसी आर्टिस्ट ने डिजाइन किए हुए, आपने जो डिजाइन किया शर्ट हुआ है पहनी हुई है वो आर्टिस्ट ने डिजाइन की हुई है, आर्टिस्ट का मतलब जिस सीट पे बैठे हो वो आर्टिस्ट ने डिजाइन, जो पेन आपके हाथ में है तो उसमें आर्टिस्ट का काम है, बिल्कुल आर्ट सर। के बगैर कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ था कि जिसमें ये कहते थे कि आर्ट सेकेंडरी सब्जेक्ट है, आर्ट मेजर सब्जेक्ट है, बिल्कुल आर्ट के बगैर कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता। आप साइंस में हो, आपको डायग्राम्स में आर्ट चाहिए, आप लैंग्वेज कर रहे हो, आपको जो आपकी राइटिंग है, राइटिंग स्किल है, उसमें आर्ट चाहिए, नहीं तो आपको सेंसिटिविटी आर्टिस्ट वाली चाहिए। फिक्शन जो है इतना आसान नहीं है, मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, लिटरेचर जो है जब तक आप उस लेवल पे लिटरेचर को नहीं समझते, चौसर को आप पढ़ रहे हो तो चौसर की फीलिंग को समझने के लिए आर्टिस्ट तो मेंटली चाहिए चाहिए आपको। जी ठीक है, बिल्कुल तो ये एरिना खत्म करते हैं कि आर्ट में पैसा नहीं है, ये एक मिथ है, आर्ट में बहुत पैसा है, प्रोवाइडेड आप में टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट होना जरूरी है। आप ये कहो कि मुझे पेंसिल चलानी आ गई या मुझे ड्राइंग देख के चल बनानी आ गई है, मैं झोपड़ी को झोपड़ी बना लेता हूँ, फिर आप कहो कि आप आर्टिस्ट हो गए, तो फिर नहीं, फिर पैसा नहीं, फिर आपको पूछेगा भी कोई नहीं, कमर्शियल में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, राइट पेंटिंग में बिक भी जाएगा, कमर्शियल में बिल्कुल कुछ नहीं पूछेगा, कमर्शियल में वो पूछेगा जिसकी जिसका काम बिकना है, वो आपके काम से अगर कमा रहा होगा तो आपको काम देगा, नहीं तो राइट नहीं देगा, किसी भी सूरत में नहीं देगा। ठीक है, इसको करते हैं। अब बात करते हैं पेंटिंग की। राइट पेंटिंग में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे यहाँ है ही नहीं, सिस्टम नहीं है कि वी लर्न अप्रिसिएशन, हम अप्रिशिएट करना जानते ही नहीं है। आप फोटोग्राफी करते हो, आपने अगर किसी को दिखाया मेरा फोटोग्राफ है, वो फॉर्मली तो बोलेगा, उस आपको बोलने में ही महसूस हो जाएगा कि अंदर से नहीं बोल रहा, उसको समझ बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल आएगी कि आप क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, हाँ मेरी पेंटिंग को, मेरी मिसेज अभी एक पेंटिंग बनाई थी, जी जैसे रखी रहती है जनरली, अभी तो नहीं, बहुत बोलती, शुरू में तो मैं उसे बहुत दिखाता था, तो अब नहीं दिखाता, मुझे पता है जी इसकी जरूरत नहीं है, अब जिस लेवल पे पहुंच गई तो उसे नहीं दिखाता हूँ, जी लेकिन वो पढ़ी थी तो बोला ये ऐसे नहीं, ऐसे दिख रहा, उसकी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, मैंने उसकी निगाह से देखा तो मुझे लगा हाँ ये गड़बड़ है इसमें, तो मैंने वो खैर करेक्शन के लिए डाल दी थी कि मेरे करना है ये, तो लेकिन अप्रिसिएशन वहां से नहीं है। मेरे बेटे को भी पता नहीं है, वो अप्रिशिएट नहीं करता है, मेरे भाई को, भतीजों को, किसी को नहीं पता कि मेरी पेंटिंग क्या है, उन्हें पता है कि कुछ करता है, हाँ जी इसका नाम है तो ठीक है वो, लेकिन अप्रिसिएशन नहीं है हमारे यहाँ, अप्रिसिएशन है ही नहीं। फॉरेन कंट्री में क्या है कि आपको शुरू से ही बताया जाता है कि आपकी माँ ने कुछ दिया है, बहन ने दिया है, थैंक यू बोलो, वेरी गुड बोलो, आप किसी को कुछ देते हो, ये दो तीन जो एटिकेट्स हैं वो स्कूल लेवल से अप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। मेरी बुक्स में अप्रिसिएशन का एक स्पेशल चैप्टर है, और अब मैंने भी आर्ट अप्रिसिएशन करके कोर्स किया हुआ है नेशनल म्यूजियम पे। तो ओरिजिनली क्या है, जब आपका अप्रिसिएशन सिस्टम बंद है ना, वहां आपकी पेंटिंग को वर्थ कोई लेगा ही नहीं। अब पेंटिंग हमारे यहाँ खरीदी जाती है डेकोरेशनल वैल्यू पे, राइट यानी कि अगर वो ड्राइंग रूम में जाके शोभा बढ़ा सकती है तब तो पेंटिंग है, नहीं तो पेंटिंग कोई नहीं खरीदेगा भाई। और पेंटिंग जो है ओरिजिनली, अगर चाइनीज जो आप डेकोरेशन पीस देखोगे वो 2.5 3 6 हजार में इतने बढ़िया बढ़िया पीस आते हैं, अगर कभी आप जाओ उधर
सेंटर फॉर साइट जाओ, उनके वहां लगे हुए हैं बड़े बड़े प्रिंट लगे हुए हैं उसके फूल फ्लावर्स के क्लिनिक पे। जब उससे काम चल रहा है तो पेंटिंग कौन खरीदेगा? पेंटिंग में तो वर्थ आ जाते हैं, तो पेंटिंग बिकती नहीं। पेंटिंग दो तरीके से बिकती है, पेंटिंग जब बिकती है या तो रिलीजियस वैल्यू, राइट या तो गणेश बने हुए हो, बुद्धा बने हो, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट से वो करते हो, या बिल्कुल मैंने क्राइस्ट बनाया हुआ तो क्रिश्चियन कोई खरीद लेगा, तो एक तो उस पर भी बिकेगी, या एक ऐसी बिकेगी जो आपकी पेंट आपके ड्राइंग रूम में शोभा बना रही हो, डेकोरेशनल होगा वो ऑब्जेक्ट, राइट उससे चार चांद लग रहे होंगे आपके ड्राइंग रूम में। तीसरा जो बिकने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी पेंटिंग इंटेलेक्चुअल हो। अब इंटेलेक्चुअल के दो पार्ट हो गए, एक इंटेलेक्चुअल हो गए कि हुसैन हो गए, सूजा हो गए, सूजा की पेंटिंग तो अब्यूसिव है, मतलब अब्यूसिव इन द सेंस, मुझे हमेशा लगता है कि वो लेडीज को क्रिटिसाइज करता है, जी लेकिन वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्रिटिसाइज करता है उसकी पेंटिंग, मतलब आई एम बिग फैन ऑफ सूजा, मुझे सूजा सूजा हुसैन रजा, ये दीज आर द बेस्ट पेंटर्स इंडिया हैज प्रोड्यूस, ठीक राइट है। राइट राइट तो सूजा का बहुत बड़ा फैन हूँ, इनफैक्ट मैंने उसको खोजा था कि मुझे उसकी पेंटिंग क्यों पसंद है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या, तो वो ही वॉज बॉर्न ऑन 8 अप्रैल, आई एम अच्छा बॉर्न ऑन 2 अप्रैल, तो मुझे लगता था हम एरीज हैं तो हो सकता है हमारे दोनों का वेवलेंथ डिफरेंस होगी। तो अब इंटेलेक्चुअल या तो उस लेवल पे होगी, तो उस लेवल पे आप अगर मशहूर हो जाओगे तो फिर आपका इन्वेस्टर मिल जाएगा, जिसको ये फेमस हो पता है कि गए आज मैं 50,000 दूंगा, ये 20 साल बाद ये 50,000 जो है ब्लैक मनी जो है मेरी, ये 4 करोड़ की हो जाएगी, जी, या मेरे बेटों के लिए प्रॉपर्टी हो जाएगी, राइट उससे बढ़िया वर्थ नहीं है, ठीक है। 5-5 करोड़ की पेंटिंग्स बिकती हैं आज के डेट में। तो एक तो पेंटिंग वो बिकती है जो वेयर हाउस में लेके रखते हैं, या एक पेंटिंग जो जैसे मेरी पेंटिंग जो है, जो मेरे को फीडबैक है, मेरी पेंटिंग्स वो खरीद रहे हैं जो खुद इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहते हैं कि हम इससे कनेक्ट कर पाते हैं। समझ पा अगर रहे ये हैं हम। मेरे ड्राइंग रूम में ले आए जो जो राइटर है, जो ऑथर है, या जो उस लेवल पे सोचता है, वो खरीद पाता है, वो उसको उससे उससे अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो वो एक लिमिटेड बंदा है ना, राइट बिल्कुल, वो ऑडियंस तो कम है। वो भाई वो बायर जो ऐसा बायर कम है, इन्वेस्टर बायर वो है जो उसके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करना मांग रहा है, एक बायर ऐसा है जो पैसा भी है और उसको लगता है कि यार ये मेरे को जोड़ता है, इसमें वो पेन है जो मैं जोएल कह रहा है, तो वो खरीदता है मेरी पेंटिंग। मैक्सिमम बायर कौन सा है, वो है जो डेकोरेशनल वाले है, जो डेकोरेशन के पर्पज से खरीद रहा है, ये रिलीजियस पर्पज से खरीद रहा है। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली एक आर्टिस्ट से मिला था, तो उसने मुझे बोला कि मैं गणेशा बनाता हूँ, तो मुझे लगा कि मतलब गणेशा भी बनाने लगा हूँ, तो मुझे मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें बनाना चाहिए क्योंकि आपका काम बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, इसका बायर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पेंटिंग, एक पेंटिंग में क्या है, एक पेंटिंग जो एक नॉर्मल फ्रेम आता है वो 1,000 रुपये का फ्रेम है, कैनवस है, अच्छा कैनवस, जिसको आप सोचो कि 100 साल उसकी जीवन होगा, रद्दी कैनवस ले लोगे उसकी जीवन होगा नहीं, तो फिर पेंटिंग बनाने का यूज नहीं है। तो वो 1,000 रुपये का कैनवस है, 2,000 रुपये के आपने कलर लगा दिए, 2,000 रुपये का फ्रेम लगा दिया, 5,000 तो उसकी कॉस्ट कर गई, जब आप कुछ नहीं ले रहे, सही बात है जी, बिल्कुल इससे कम पे कुछ नहीं है, 1,000 रुपये का फ्रेम, 2,000 के पेंट्स, 2,000 का उसका वो फ्रेम, ठीक है, 5,000 तो वो लगता है। 5,000 अब वो लग गए। उस पेंटिंग को आप बहुत बेच दोगे 5,000 रुपये में, 10 में बेच दोगे, फिर फायदा क्या है पेंटिंग करने का। लेकिन जो लोग कमर्शियल पेंटिंग कर रहे हैं उसको टाइम नहीं लगता, वो फटाफट एक लैंडस्केप बनाया, बिक गया बिक गया, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो डेकोरेशनल वेल, इसलिए आप देखोगे पेंटिंग्स में लोग कलर्स यूज करते हैं, रेड लगाएंगे, मतलब ब्रिलियंट रेड लगा रहे हैं, या ब्रिलियंट ऑरेंज चल रहा है, या ऐसे कलर्स चल रहे हैं जिसको फर्स्ट लुक में आप कहते हो यार क्या प्यारे कलर्स हैं, बट ओरिजिनली उसमें उसमें जो है उसमें कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है, वो इंटेलेक्चुअल कलर वैल्यू कलर कम है। कलर्स ने मेस्मराइज कर दिया, मतलब सेंसेस को पहले ही। हाँ बच्चा, उसका उसका आपको बायर भी मिलेगा, उसका एप्रिशिएटर भी मिलेगा जी, आपको, आप घर में भी लगा लोगे, आपको यार बड़ी सुंदर पेंटिंग लग रही है, बट अगर इन डेप्थ पेंटिंग आपने कोई लगा ली तो नहीं मिलेगा। आप ये देखो ना, हमारे सीरियल्स जो बनते हैं, हमारा सिस्टम देखो, हमारे जो एपिसोड्स बनते हैं या हमारी जो मूवीज बनते हैं,
उसमें जितना इंटीरियर होगा उसमें रेयरली आपको कोई इंटेलेक्चुअल पेंटिंग नजर आएगी भाई, वो तो स्टूडियोज ही होते हैं, राइट 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 तो मेंटेन किए जाते हैं ना, कमरे बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें मूड भी सेट करने के लिए एक मूवी आई थी जिसमें हुसैन की पेंटिंग को रॉकी या क्या थी वो, जिसमें वो चीट होता लड़का रणवीर सिंह, वो लेडीज लेडीज वर्सेस रिकी बेल सर, हाँ रेकी बैल वालों को, अब वो उसको उसमें बोलते हैं एक ओनर हुसैन को कि मुझे हुसैन की पेंटिंग चाहिए आपकी। वाली पेंटिंग करनी है, तो वहां पे आपको दिखेगी। लेकिन इनफैक्ट आप फॉरेन मूवीज देखोगे आपको उनकी वॉल्स में इंटेलेक्चुअल पेंटिंग दिखेंगी, वो डिटेल में काम करते हैं ना, तो उतनी डिटेलिंग रहती है। और वो पेंटिंग पेंटिंग खरीदते हैं, फर्स्ट एप्रिसिएशन जिस एप्रिसिएशन से बात कर रहा था, वो पेंटिंग खरीदते हैं, वो एग्जीबिशन देखते हैं, वो जाते हैं खरीदते हैं पेंटिंग, 300 पाउंड की, 400 पाउंड की, 1000 पाउंड की पेंटिंग खरीदते हैं, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उस लेवल की पेंटिंग खरीदता है, पेंटिंग बिकती है, उनका राइट सर्वाइवल ज्यादा, उनकी पेंटिंग उनका उनकी आर्ट हमसे डेवलप्ड इसलिए कि उनका एप्रिशिएटर वहां मौजूद है, राइट उनको एप्रिसिएशन है। हमारी भी पेंटिंग आज की डेट में 5-10 करोड़ की, 20 करोड़ की जो बिकी है वो फॉरेन में जाके बिकी है, बिल्कुल सर। हमारे यहाँ उसका बायर नहीं है। इसमें सोसाइटी एज अ होल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हमारी एजुकेशन के सिस्टम में गड़बड़ है, एजुकेशन। जी, एजुकेशन में हम हमारे को जिस उम्र से बच्चे को एप्रिसिएशन बतानी है, हम उसको उसके लिए टोकते नहीं है जब वो किसी को कहता है ये मोटी है ये काला है, बिल्कुल। जब बच्चे किसी की चिड़ निकालने लगते हैं मोटी या चौका या चश्मू या चिश्मिश, ये जब इस बौना, तरह ये की लंबा, बातें, इस तरह की बातें हम करते हैं, हम उसको कॉम्प्लेक्स देते हैं, उस बच्चे को कॉम्प्लेक्स देते हैं, हमें पता ही नहीं हम कब के कब में छोटे से बच्चे को, हम मतलब मैं भी छोटा हूँ वो बच्चा भी अनजाने में कर रहा है, लेकिन टीचर का जो रोल जहां से स्टार्ट होता है वो रोल मिसिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इस चीज पे पहले दिन से गौर होना चाहिए कि बच्चे आप में अप्रिशिएट आपस में करें। बोल क्या रहे। जी इनफैक्ट पेंटिंग की क्लास में मेरे जो बुक्स हैं, दूसरी तीसरी किताब की क्लास की बात कर रहा हूँ, उसमें भी मैंने फॉर द टीचर्स बोला हुआ है कि हर बच्चा अपनी पेंटिंग लाके वो दिखाएगा, फ्रंट में खड़ा होगा और बच्चे उसको अप्रिशिएटिव वर्ड्स यूज करके उसको अप्रिशिएट करेंगे, उनको आदत आनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना आना चाहिए, वो जब अप्रिशिएशन सीखेंगे वो शर्ट को भी अप्रिशिएट करेंगे, अपने माँ के खाने को भी अप्रिशिएट करेंगे, अपने फादर ने जो किया उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, हमारे मिसिंग लिंक है। तो तुम और मैं अगर हम खोजें, हम किसको अप्रिशिएट करते हैं अपने आसपास, किसी को भी नहीं करते, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ, मैं बहुत पैशनेटली इस सब सारे सिस्टम को समझता हूँ, कि जब मैं जनरली फेसबुक पे ज्यादातर पेंटिंग मैं पसंद करता हूँ, मेरी निगाह में अगर आएगी तो मैं पेंटिंग पसंद करूंगा, और जो बहुत एक्सट्रीम पे है उनको वाओ जरूर करूंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पेंटर कौन है, वो मुझे अप्रिशिएट करता है नहीं करता, वो मेरे फेमस है काम कि को नहीं है। पसंद करने वाला है नहीं है, उसकी अगर पेंटिंग अच्छी है वो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अगर पेंटिंग लग रही है कि ये वाओ के नाम पास है मैं वाओ बोल करूंगा, क्योंकि मेरी एक वाओ उसको 10 पेंटिंग करने बिल्कुल की सर, वो देगी, एप्रिसिएशन। हाँ मैं उस आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। आज आप और मैं जो बातें कर रहे हैं, हम ये मेरे लिए एप्रिसिएशन है। मेरे लिए भी सर। अभी कुछ दिन पहले बसंत का कुछ 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 अभी महीने डेढ़ पहले अभी डाला, इस महीने डाला, बसंत राव ने मेरा इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने उनको मैंने बोला कि आप जो आप मेरे को बिल्कुल नहीं जानते, आप ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, मेरे से आपका कोई लिंक नहीं है, एंड यू सेंड मी ए मैसेज कि भैया ऐसे 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 जो इस प्रोजेक्ट का तुम्हें पार्ट बन रहा है, 12 लोग लिए मैंने, 12 में से एक आप हो, आप कब फ्री हो, तो मैंने कहा उस दिन से मेरा चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया, पहले उससे एक दिन पहले मैं सोचा था कि मैं जो पेंटिंग कर रहा हूँ क्या इस स्टाइल में करता रहूँ या छोड़ दूँ कुछ और कर लूँ, कमर्शियल तो मेरे पास बहुत, मैं कमर्शियल आज भी कर सकता हूँ, मैं कमर्शियल बचपन से कर रहा हूँ, मैं अगर एक पेंटिंग लाल पीली बनाऊंगा 1 सेकंड में बिक जाएगी मुझे पता है, लेकिन जी, मुझे वो पेंटिंग करनी ही नहीं थी, मैंने जो पेंटिंग मुझे अपील नहीं करती, जिससे मैं कनेक्ट नहीं हो सकता, मुझे पैसे बनाने के लिए पेंटिंग थोड़ा ना करनी है, मैं कितने लैंडस्केप करके अब तक डाल चुका होता, कितने सिटीस्केप करके डाल चुका हूँ, मेरा वो टारगेट नहीं था,
मेरे मेरा टारगेट था कि मुझे पेंटिंग करनी है जिससे मैं कनेक्ट हूँ। मुझे इसलिए नहीं करनी कि विपिन को मेरे काम पसंद है कि तो मैं ये सोच रहा था सीरियसली कि मैं क्या पेंटिंग करूं या इलस्ट्रेशन का काम मेरे पास आज भी है, तो मैं इलस्ट्रेशन में बहुत पैसा है। तो आप एक एक किताब करते हो 1.5 लाख रुपए मिल जाते हैं आपके, 15 दिन में एक किताब साइड हो जाती है। आप महीने में 2 पेंटिंग बेचोगे 2 लाख रुपए की होगी, यहाँ 2 बुक करोगे आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, जी इतना पैसा है इलस्ट्रेशन कमर्शियल में। लेकिन क्या मुझे वो करना चाहिए कि मैं इलस्ट्रेशन ही करूं, या अब ठीक है पेंटिंग तो हो गई, लोग मुझे जानते हैं, मेरा काम खत्म हो गया। तो उसके बाद जब मुझे वसंत राव सर का वो मैसेज आया तो मुझे लगा नहीं, मुझे पेंटिंग नहीं करनी, मुझे इलस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों में कहीं पे डेंट कर रहा है, बिकता है या नहीं बिकता उस फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, अगर मेरी 8+ की बुक्स हैं, अभी नई सीरीज जो आई है वो उसका नाम भूल रहा हूँ, इतनी सारी सीरीज हो गई कि लेटेस्ट सीरीज का नाम याद नहीं आ रहा, अगर आएगा तो बताऊंगा, उसका कवर भेजूंगा आपको। जी जी सर तो ओरिजिनली उसमें मैंने इंसिस्ट किया है कि एप्रिसिएशन जो है सेकेंड क्लास थर्ड क्लास से शुरू हो जानी चाहिए, और टीचर को बोला है कि आप किसी भी बच्चे को आपने जो भी वर्क उसने दिया है उसको आपने नेगेटिव कुछ नहीं बोलना, आपने उसको ये नहीं बोलना कि ये खराब हो गई या इसमें ये चेंज कर दे, आपने उसको उसी लेवल पे बढ़िया बताना है। राइट आप उसे बढ़िया बताओगे तो वो अगली पेंटिंग करेगा, आपने बिल्कुल उसे बता दिया, उसे रियलाइज कराया कि आप पेंटिंग अच्छी नहीं करते हो तो वो दूसरी पेंटिंग नहीं करेगा। हाँ, एटलीस्ट बच्चों के साथ में तो उतना इंटेलेक्चुअल मत हो कि आप बिल्कुल जज करके बता दो, अगर रियलिटी है भी तो एटलीस्ट उसको मौका तो दो कि वो दोबारा स्टेप ले एक और। भाई बच्चों की एक कम्युनिकेशन है, वो क्या सोच रहा है, आप कैसे उस कम्युनिकेशन को, या तो आप इतने इंटेलेक्चुअल हो कि आप उसको पढ़ लो, आप बीएड करके आके वहां बैठे हुए आप क्या सोचते हो कि इंटेलेक्चुअल हो जी बिल्कुल सर सही आप? आपको किसने राइट दिया कि एक बच्चे को बात, ये जज कर लो कि ये ठीक है? ये कोई साइंस का क्वेश्चन थोड़ा है, इट्स अ क्रिएटिव थिंग। क्योंकि हम नहीं जो समझ पा रहे तो हमें मूवी है, लगता है जो आमिर खान की मूवी है जिस तारे जमीन तारे पे, जमीन पर। सारे टीचर्स को देखनी चाहिए, बिल्कुल सर इनफैक्ट स्कूल में दिखानी चाहिए। मुझे नहीं पता दिखाई गई या नहीं दिखाई गई, मेरे बेटे के स्कूल में तो शायद दिखाई गई होगी, वो ये सब करते रहते थे। लेकिन वो स्कूल्स के टीचर्स के लिए स्पेशल शो होने चाहिए थे इसके लिए, या किसी भी बीएड एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट है या ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ टीचर्स आप पैदा कर रहे हो वहां पे उसके शो होने चाहिए। वो इस लेवल पे मूवी, वो मूवी बच्चों के लिए नहीं बनी हुई, बिल्कुल सर सही वो बात है। मूवी बनी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। मतलब लोगों ने ये सोचा ये बच्चों की मूवी है, बच्चों को दिखाओ बच्चों को दिखाओ, बच्चों को दिखाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स मुझे देखनी चाहिए, वो मेरे को अपना नजरिया चेंज करना है, बच्चे को क्या नजरिया चेंज करना है। क्योंकि वही सारे टीचर्स थे और जो अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, और वो एक टीचर आता है जो अप्रिशिएट करता है, और उस क्या पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उस बच्चे का। एक टीचर ने उसको रीड कर लिया, उसने उसकी उसको समझा कि ये बच्चा डिफरेंट है। मैं जो था, मैं जो बैक बेंचर था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इंटेलिजेंट नहीं था, मैं वहीं आ रहा था सर कि इसका वही मतलब वही जुड़ गया क्वेश्चन हमारा बचपन में। बचपन में मैं ब्रिलियंट माइंड था, मेरी सोच अलग थी। आज की डेट में भी मेरे बहुत लोगों से विचार नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते जी नहीं मिलते हैं। मैं वो सोच पाता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे को खुदा ने दिया हुआ है, सर तो मैं सोच पाता हूँ। अब मैं शुरू में तो मेरी बहुत बहस वहस होती थी लोगों से, बहुत दोस्तों में भी बहुत बहस हो जाती थी, लड़ाइयां हो लेकिन मैं जाती उनको हैं। समझा नहीं पाता था कि मैं रीड कर लेता हूँ वो जो आप नहीं रीड कर सकते, ये गॉड गिफ्ट है, खुदा ने दिया हुआ है। मैं अपनी पेंटिंग में वो पकड़ पाता हूँ, तब तो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ ना। जब तक मेरी पेंटिंग को अप्रिशिएशन नहीं मिला था, जब तक मेरा नाम नहीं हुआ था, जब तक लोग मुझे नहीं जान रहे थे, तब तक मुझे भी लगता था कि मैं एक नॉर्मल मीडियोकर बन रहा हूँ। जी हालांकि अप्रिशिएशन मुझे बहुत बड़े बड़े लेवल पे मिली, मैंने 5 प्रमोशन ली थी अपने, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर लगा था, मैनेजर पब्लिकेशन, नॉन गेट कोर्स जहाँ से मैंने रिटायरमेंट लिए, जॉब जॉब के बीच में। मेरे को जी सारे डायरेक्टर पसंद करते थे, सबको पता था ये डिफरेंट सोचता है, डिफरेंट करता है, डिफरेंट ये है, लेकिन उस वक्त तक मुझे इसका आइडिया नहीं था, इल्म नहीं था, ये था कि हाँ ठीक है डिफरेंट हूँ। अब लगता है मैं डिफरेंट था, अब आके अब जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, मुझे पेंटिंग का वर्थ पता है, मेरी पेंटिंग का अप्रिसिएशन है, तब मेरे को ये लगता है कि नहीं मैं बहुत क्रिएटिव था, ठीक है जितना जैसा मौका मिला मुझे। अब आगे अब इसको कोई मतलब घमंड ना कहे, हाँ ये हाँ एक सर रियलाइजेशन होना ही चाहिए, हर एक को पता होना चाहिए उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है। बट लेकिन इसको
आम आदमी पे थोप नहीं सकते। बिल्कुल सर, अगर कोई बिल्कुल आपको नहीं समझता है तो नहीं समझता, उसके लिए आप ये कहोगे वो मुझे समझता नहीं है, तो उसका कसूर नहीं है, उसके पास वो समझ नहीं है, वो आपको आपके लेवल पे नहीं सोच सकता तो नहीं सोच सकता, क्या कर सकते हो उसके लिए। जी, ये सही बोली सर आपने कि एक टाइम पे ना लड़ाइयां भैंसे हर छोटी छोटी बातों में हो जाती थी। अब तो ऐसा है कि चलो भाई ठीक है, आप अपने में खुश रहो, हम अपने में ठीक है, समझाने की कोशिश नहीं है। और उसी का सर, सर उसी पर्सनैलिटी होने का एक इनएविटेबल पार्ट शायद ये भी है कि लोनलीनेस वो रहती रहती है। फिर हाँ हर किसी के बीच में आप जेलप हो ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो आप, नहीं जलप हो वो सकते, पीपल प्लीजर और वो पार्टी का पूरा जान आप हो नहीं सकते। नहीं हो सकते। देखो दो बातें हैं, आपके केस में क्या है, आप फोटोग्राफी आपने जो चुना है वो ऐसे ही नहीं चुना, ये एक मेंटल सिस्टम होता है कि आपको, आप प्रोफेशन के लिए फोटोग्राफी नहीं कर रहे हो, आपका आपका आपकी चॉइस है, आपको उसमें कनेक्टिविटी दिखती है, आपको उसमें मजा आता है, नहीं तो आपको मजा आता तो क्रिकेट चुन लेते या फुटबॉल चुन लेते या पेंटिंग ही करने लगते या कुकिंग करने लगते। इन दैट केस जिस चीज को आप चुनते हो, जिसको एंजॉय करते हो, अगर उसको प्रोफेशन बनाते हो तो चार चांद वाली बात है, नौकरियां सब करते हैं, लेकिन अगर पैशनेट, जैसे मेरे को आर्ट की मिली थी, मैंने बहुत जी और आज तक मैं पता नहीं, मेरी 63 की एज है, मैं अभी भी जो मैंने बुक्स करी है कम से कम 7 रात में जाग के काम करा हुआ है, मतलब दिन में तो मैं पेंटिंग करता था, थोड़ा सा सो जाता था, फिर सुबह मुझे देना ही देना है, मैं 5 साढ़े 5 बजे मेल करता था, और वो ये कहते थे मुझे कि बहुत पंक्चुअल है आप, मैंने कहा नहीं अब इस उम्र में आके हो गया हूँ मैं पंक्चुअल, हालांकि मेरे से इतना लग के काम नहीं होता, लेकिन अब लगता है कि एंग्जाइटी भी रहती है कि नहीं काम देना है तो देना है। तो ओरिजिनली मैं क्यों थकता नहीं हूँ, मेरा बेटा थक जाता है जो जॉब कर रहा है, थक गया पापा थक गया पापा, मैंने कहा क्योंकि तू एंजॉय नहीं कर रहा अपने काम, मैं एंजॉय करता हूँ तो मुझे थकान नहीं होगी। आप जब भी फोटोग्राफी करोगे आप कभी नहीं थकोगे, कभी नहीं थकोगे, सही बात है सर, वो आपको भारी अगर भारी मिडनाइट कैमरा में, लेकर के भी घूम रहे हैं लेकिन लगता नहीं कि मिडनाइट अगर काम हो रहा है। पैरिस शूट, मिडनाइट अगर पैरिस शूट करना है आपको, मैं कहता हूँ आप थक ही नहीं सकते, और एक रात नहीं 10 10 रात नहीं थकोगे, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हो। थकान तो होती है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो थकान जब तक दिमाग पे नहीं चढ़ती तब तक थकान नहीं होती है, वो फिजिकल पे रहती है, मेंटल तक तो शायद नहीं उतनी फिजिकल होती। पे रहती है, फिजिकल पे रहती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक है। तो ये अच्छा है हम आपस में बातें कर रहे हैं, ये जरूरी है कि इस तरह की बातचीत होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आपको, अगर आप इस यूट्यूब के लिए करते हो तो आपको ये बहुत करना चाहिए, मतलब मुझे नहीं पता आपकी कितनी अवेलेबिलिटी है, आपको कम से कम वीकली शो डालने चाहिए, इससे आपका मॉनिटरी गेन तो मुझे पता नहीं होता भी है कि नहीं होता, नहीं सर, मॉनिटरी मॉनिटरी तो गेन अभी तो आपके कुछ नहीं है, मैंने आपका वैसे वो देखा था फोटो बाजार का, उसके तो फॉलोअर्स बहुत तगड़े, 45,000 करीब करके शायद है, शायद पोर्ट्रेट बाजार वाले के तो सर 90 के ऊपर है। 90 के ऊपर है, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, मैंने तो, मैं इससे पहले, अच्छा मेरे मेरे पास तो, मैं पहले देखा है वो ग्रुप, अच्छा लेकिन अच्छा उसको ऐसे नहीं देखा कि भाई विपिन का ग्रुप है, देखा देखा बढ़िया, फोटोग्राफी मुझे फोटोग्राफ देखना पसंद है, क्योंकि समटाइम इट गिव्स यू सब्जेक्ट, राइट राइट राइट, अगर एक थिंकिंग भाई, विजुअली तो हमारा फीडबैक है, तो बिल्कुल सर। फोटोग्राफी भी देखता हूँ तो मुझे मजा आता है। अभी मैं इनफैक्ट एक मूवी देख रहा था, उसमें बैक में एक लगा हुआ था, क्या कहते हैं, दीवार के ऊपर वो हिरन का फेस काट के जो शिकारी लगा देता, जी 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 तो जी वो देखते देखते मुझे एक पेंटिंग समझ में आई कि मुझे इस पे काम करना है, वो हो गया, तो वो विजुअल हमें वो देता है, फीडबैक देता है। जी जी तो जी आपका, आपको, मुझे नहीं पता मॉनेटरी बेनिफिट होता है या आप कितना फिजिबल आपके लिए है कि आप वीकली इसको कर पाओ या फोर्टनाइटली कर पाओ, नहीं, लेकिन मुझे मैं कर रहा हूं सर। वैसे जैसे पोर्ट्रेट बाजार की आपने बात करी ना, वो 2 साल पहले कम्युनिटी स्टार्ट की थी, बट ये पॉडकास्ट और इंटरव्यूज करने में मेरे को टाइम लग गया, मैं कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मेरे को ये करना चाहिए। मैं अपने उसमें रहा, मैंने बोला चलो करूंगा, आज नहीं 1 महीने बाद 2 महीने बाद, टाइम लग गया। अभी क्या है कि मैं साइमल्टेनियसली 3 अलग अलग वो चीज कर रहा हूँ। जैसे पोर्ट्रेट बाजार का आपने कहा, उसमें इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स के साथ में कॉन्वर्जेशन चलती है। अभी जो लास्ट मेरी हाँ कॉन्वर्जेशन हुई थी, वो मैग्नम फोटोज करके हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है फोटोग्राफी का, उनके तो मैग्नम फोटोग्राफर है, मार्टिन पार नाम है उनका, तो उनसे मेरी कॉन्वर्जेशन हुई। नेशनल ज्योग्राफी के फोटोग्राफर बॉब होम्स है, उनसे हुई थी। अच्छा जी
हाँ जी, तो और जो आपने इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कमेंट भी किया था इंद्रजीत खांबे के साथ में, वो हिंदी हाँ के लिए, वो बहुत ऑनेस्ट था। हाँ हिंदी के लिए अलग सेक्शन है, वो फोटो जर्नल ऑफ इंडिया के नाम से अलग बनाया हुआ है, तो वहाँ इंग्लिश की कॉन्वर्जेशन, यहाँ हिंदी की। और ये जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये मैं अलग करना चाह रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ फोटोग्राफी तक नहीं रहना चाह रहा, वो वहाँ चल रहे हैं ठीक है, बट मेरे को आर्ट इन जनरल के ऊपर बात करनी है, कि मैं एक वाइडर टॉपिक के बारे में बात कर सकूँ। देखो अब आप कर भी पाओगे, आपकी एज अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है, आपकी लाइन भी है ये, लेकिन इसके साथ प्लस पॉइंट क्या है कि ये फ्यूचर है। अभी अभी जो कम्युनिकेशन का मोड है ना, यही है सोशल मीडिया ये। राइट, बिल्कुल और सर, मुझे लगता है कि बहुत भीड़ आई हुई है, भीड़ में इस तरह के जो ग्रुप हैं, जैसे उन्होंने तो चैनल स्टार्ट किया हुआ है वसंत राव ने, मैंने उनको भी लिख के भेजा था कि इट्स वंडरफुल थिंग, और भी लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं। लेकिन ये इंडिया में होने से क्या होता है कि अगर कोई देखता है, ऐसे बहुत कम देखते हैं, 20 22 50 व्यूज ही मिलते हैं, सिर्फ मिलते नहीं है, लेकिन अगर कोई देखता है और आपकी कोई कही भी बात या किसी भी, जैसे वो उस दिन वो बोल रहे थे आपके जो फोटोग्राफर, सुन रहा था उनको, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से अपने उसके लिए बता रहे थे, वो कहते मैं वर्कशॉप से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मुझे लगता है कि अगर, जैसे मैंने सुनी, मैं और ट्रांसफर करूंगा बाई वर्ड ऑफ माउथ, ये आगे ट्रांसफर हो सकती है या मैं शेयर कर सकता हूँ उसको। तो हमारे इंडिया में इस तरह की चीजों की जरूरत है, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है, हम तो बीत चुके हैं, मैं तो अपने आप को बीता हुआ मानता हूँ कि 63 हो गई, और खुदा ने अगर 4 7 साल और शायद मिल जाएंगे, सर, लेकिन हाँ मतलब तो उम्मीद तो सभी करते हैं, तो लेकिन जी फिर जी भी जो सिस्टम है, 70 एवरेज ही है। तो मुझे लगता है जो नई जनरेशन है, जिन्होंने काम करना है, वो आर्ट को तरीके से करें। हमारा बीच के लेवल में ना आर्ट जो है वो ओशन वगैरह ग्रुप के बाद जो है आर्ट थोड़ी सी हमारी ना इधर उधर क्या हो गई कहते है, हैं, थोड़ी हिल गई है, मतलब वो राह से भटक गई है, पटरी पटरी से उतर गई है कुछ टाइम से। से उतर गई है, एग्जैक्ट वर्ड है मतलब। और इसके पीछे सिर्फ रीजन ये है कि जो जो जिन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको काम कराने की, वो कहीं और ही लग गए। वो कई मतलब नहीं, वो उन्होंने शॉर्टकट्स बताने चालू कर दिए, हाँ बिल्कुल सर, उन्होंने ऐसे बताना चालू कर दिया कि आप इसको कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, फिर उसके बाद अब अपना करो। तो जो कॉपी करते करते आपने स्किल ले लिया, आप उसको अपना करोगे तो उसका स्किल, उन्होंने इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात ही नहीं करी। पेंटिंग बात मेरा खत्म जो एक हुई। टीचर थे, मिस्टर रंजन थे, मैं बुक इलस्ट्रेशन किया हुआ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, 4 साल का था उस वक्त, अब तो 2 साल का हो गया। तो उस वक्त हमारे जो पेंटिंग के एक टीचर, फिगर ड्राइंग के एक टीचर थे मिस्टर रंजन, वो शांति निकेतन से थे और इधर बड़ौदा बड़ौदा कॉलेज ऑफ आर्ट के थे। जी। वो हमें इस तरह की बातें बताया करते थे कि मेरी तो मतलब, मुझे नहीं पता बाकी बच्चों की, 30 के करीब बच्चे थे, मैं काफी ग्रोन अप था, मैं 32 33 के एज पे किया वो कोर्स, पार्ट टाइम था। तो वो ये कहते थे कि एक चाइनीज आर्टिस्ट को एक सुबेका को फूल खिलता हुआ पानी में कमल खिलता हुआ बनाना था, अच्छा कि वो एक एक महीने तक सुबह 5 बजे जाके वहां बैठा है, जब पौ फटती है, उस पौ फटने के टाइम के फूल को बनाने के लिए उसने एक महीने वहां जाके जिया। राइट 5 बजे जाता था, बैठता था, गौर करता था, देखता था, देखता था वो कितना सेंसिटिव रहा होगा, उसने पौ कैसे फट रही है, चिड़िया कैसे बोल रही है, पत्ते क्या कर रहे हैं, पेड़ कैसे मूव कर रहे हैं, पेड़ों का रंग कैसा हो रहा है, तब कहीं जाके उसने वो बनाया। राइट अभी मैंने किसी का एक स्टेटमेंट सुना है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, काफी फेमस पेंटर है, उन्हें बोला जी मुझे 100 पेंटिंग बनाने के लिए, गिरजे की 100 पेंटिंग बनाने का ऑर्डर आया हुआ है, तो मुझे गिरजा बनाना है। तो मेरे साथ एक और बहुत, मैं बहुत नाम वाम नहीं ले रहा हूँ, जी बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, मेरे मेंटर थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया उससे कि तो तुम कभी गिरजे गए हो कि नहीं, गिरजा के ऊपर जाना, दोनों डिफरेंट स्टोरी है। यानी बिल्कुल सर, समझ रहा हूँ मैं। कि एक महीने तक, जब जिस वक्त इन्होंने राम कुमार सर ने इस पे काम करना था बनारस पे, बनारस वो तकरीबन 6 महीने कुछ रह के आए, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना हुआ है, और वहां उन्होंने कोई पेंटिंग नहीं करी बनारस पे, जी वो सिर्फ घाटों पे घूमते थे, देखते थे देखते थे, 6 महीने उसको जी लिया,
जीने के बाद आके फिर उन्होंने पेंटिंग करी थी अपनी। यानी कि आप एक लाइफ जीते हो, फिर उसको एक्सप्लेन करते हो। एक ऐसा है कि आप किताबों में पढ़ते हो और फिर एक्सप्लेन करते हो, दोनों में बहुत फर्क है। ये सेम सर फोटोग्राफी में भी है कि कुछ लोग क्या है मतलब कैमरा उठाया गए कहीं पे बस लगे पड़े खटाखट खटाखट खींचने में, मतलब देख ही नहीं रहे आसपास में क्या हो रहा है, भाई देख तो लो पहले कैमरा तो बाद में आएगा, पहले आपका ये ऑब्जर्व तो। करना चाहिए ना। बिल्कुल राइट सर, जब तक आप आंख नहीं घुमाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा आपको खींचना क्या है। बिल्कुल सही बात है। आपको अगर आपको मेरे को अगर पेरिस शूट करना हो या मुझे एफिल टावर शूट करना हो, मैं 3 रात तो मैं सिर्फ घूमूंगा वहां जाके, अपने बिल्कुल सब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा कि ये सब्जेक्ट है। जब मैं 3 रात 3 दिन तक उसके बारे में सोचता रहूंगा, जब मैं कैमरा लेके जाऊंगा तो मुझे शूटिंग करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर मैं वो शूट कर पाऊंगा। लेकिन उससे पहले तो जीना जरूरी है ना। जी, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये तो अब स्टार्ट हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में भी कि वर्कशॉप होती हैं, किसी किसी मूवी से पहले वर्कशॉप होती हैं, उनको घुमाया जाता है कि जैसे स्लम बिलियनेयर जो वो सलम डॉग मिलेनियर बिलियनेयर स्लम डॉग मिलियनेयर जो बनी थी, उसमें पहले झुग्गी झोपड़ी दिखाई, ये हुआ, उसके करेक्टर्स हुए, उसके करेक्टर्स की स्टडी हुए। आजकल एक्टर भी जाके वहां बैठते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तब वो उसको जीने में लेते हैं। पहले नहीं होता था, पहले तो उस शक्लों पे तो मूवीज में चल जाती थी, बिल्कुल मेरी सर, गोरी चमड़ी है मैं चल गया, मैं कद मेरा 30 मार्क लंबा का मैं चल है। गया, पर्सनैलिटी बढ़िया है, लड़कियां मर जाएंगी तो हीरो बन गए, हाँ ऐसे नहीं होता। अब नहीं होता। अब ये जो सुशांत राजपूत वगैरह है, ये जो अभी क्या नाम है एक लड़का, मैं नाम राजकुमार थोड़ा राव, भूल, राजकुमार राव, बिल्कुल राजकुमार राव है, ये जो है ये ऐसे ही थोड़ा इंटू है, ये एक्टिंग कर रहे सर, हैं। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है ये एक्टिंग करके इन्होंने अपना लोहा मनवाया, ये उस कैरेक्टर को जीना जानते हैं, उसको एक्सप्लेन करना जानते हैं। तो वो टाइम चेंज हो गया, अब तो समय चेंज है थोड़ा सा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो कुछ भी होता था। आज की डेट में तो अब जैसे है कि मेथोडोलॉजिकल एक्टिंग अलग है मेथड और एक्टिंग। हाँ मेथड एक्टिंग और फ्रिक्वेंट और ये सब चेंज आ गए। तो ये जैसे जैसे दिमाग ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे आप बोल रहे हो कि आप फोटोग्राफी सिर्फ कैमरे से नहीं कर सकते, कैमरा तो एक टूल है टूल है जी। ना, सिर्फ ब्रश चलाने से पेंटिंग नहीं होती। ये तो है सर। आपको आपको सिचुएशन में जीना पड़ता है। अगर मेरे को नॉन एग्जिस्टेंट पेंटिंग बनानी थी, मेरा जो पेन था वो भरा पड़ा था, तब तो निकली वो, दोबारा नहीं निकल सकते। अभी मैं सोच रहा था, मैं कल परसों भी सोच रहा था नॉन एग्जिस्टेंट बनानी है मुझे, क्योंकि राइट मुझे बड़े कैनवस पे उसे बड़े कैनवस पे बनानी है, लेकिन मुझे लगा कि मैं क्या बना पाऊंगा, नहीं आया, नहीं आया अंदर से, अभी नहीं बनानी, इतना आसान नहीं है, मुझे पता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो उस वक्त बना दिया वो आज भी बहुत बढ़िया आज भी बढ़िया जी। मजा आ गया मतलब सर आपसे बात। मैंने ना मैंने क्या किया था ना, मैं इंटरव्यू के लिए बात करने के लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स रखे हुए थे जी। यहाँ पे, मेरे फोन पे मैंने वो करा हुआ है, तो मैंने पॉइंटर्स रखे हुए थे कि ये पॉइंट है मोटा मोटा, इन पे बात करनी है। बट अब बात करते करते 2 घंटे हो गए सर, पता भी नहीं लगा। बात करते अच्छा, दो करते घंटे ऐसा हो गए, हाँ 2 घंटे 12 बज गए दो सर। घंटे हो गए, बारह बात करते बजे करते दो बात घंटे करते करते ऐसा हो गया कि मतलब वो सारे जो पॉइंट्स थे ना उस कॉन्वर्जेशन में, वो सारे वैसे ही कवर हो गए। वो आने पूछने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, मुझे भी टाइम नहीं पता लगा, मुझे मैंने एक बार भी नहीं टोका आपको कि लेट तो नहीं हो रहा, मैं ज्यादा हाँ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही सोच रहा ऐसे था नहीं। कि अब सर बोलेंगे कि अरे यार टाइम हो गया, अब इसको एंड करते। मैंने जब पहले आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि आर्ट में इतना पैशनेटली जिया हुआ हूँ वो कि मेरे समझ पास पा रहा हूँ सर, बहुत सारा है बतियाने, ये बताया था आपने जी। हाँ मेरे पास बहुत सारा है बतियाने का, मेरे को प्लेटफॉर्म आर्ट के लिए नहीं मिलते। मैंने इसलिए पूछा था कि मेरे से जर्नी वर्नी मत पूछना, ना ना मेरे से सर, ना आर्ट से बात नहीं, मैंने शुरू में ही बोला था जर्नी मत पूछना यार, उससे कोई फायदा है नहीं, रेपिटेशन होती है। आर्ट के बारे में बात करो, आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। मेरी वाइफ जो है वो तो 1 सेकंड में बोर हो जाती है अगर मैं उसको पैशनेटली अपना आर्ट बताने लगूँ, 1 सेकंड में बोर हो जाती है, मतलब उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो वो क्योंकि अब हाँ क्योंकि मैं ले बतिया, एक 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 ले मैन को तो नहीं समझ आएगा ना वो टेक्निकल जार्गन के बारे में, अगर हम बात करने लग जाएं। अब मैं फोटोग्राफी, मैंने जो आपने कमेंट भी किया वो इंटरव्यू पे पूरा, वो भी 1 घंटे से ऊपर का था, उसमें फोटोग्राफी की टेक्निकल टर्म्स की बात ही नहीं करी है हमने। तभी तो मुझे मजा आया उसको सुनने हाँ में, मैं पूरा बैकग्राउंड में सुनता चला गया। आर्टिस्ट आर्टिस्ट की फिलॉसफी क्या है, कैसे सोचते हैं, मेरे को तो उसमें मजा आता है। बाकी टेक्निकलिटी तो देखो हर फील्ड की अपनी अपनी अलग अलग होती है, उसमें बात करोगे
तो वो चार जो पेंटर होंगे वो तो सुन लेंगे आपकी बात, जिनको समझ आएगी, लेकिन जो बिल्कुल बाकी लोग होंगे जिनको वो फिलोसफी सुननी है वो तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, टेक्निकल जैसी बात मामला आएगा। भाई, या तो मैं आप सेलिब्रिटीज हो, या तो आप मोदी जी हो कि लोग आपको भक्तों की तरह देख ले, या आप मतलब कोई सेलिब्रिटी हो, मतलब या तो आपके फॉलोअर्स इतने लेवल पे हो कि देखें, नहीं तो जनरली ये ऐसी बातें हमारे, मेरे और आपके लिए तो बहुत अच्छी हैं, बहुत हमारी राइट अपनी राइट राइट दोनों की पर्सनैलिटी के लिए अच्छी हैं, जी। लेकिन पब्लिक इसको बहुत सीरियसली देख नहीं पाती। मैं कई बार अगर मैं रिश्तेदारों को भी शेयर करूंगा वो भी नहीं देख पाते, तो नहीं सर, मैं चालीस मतलब पचास मिनट का वीडियो मैं देख। अगर सच बोलूँ ना, मैं उस चीज में जाता ही नहीं हूँ कि कोई देखेगा नहीं देखेगा। ठीक चलो है, सर, अब एंड करते हैं फिर इसको सर, मतलब मुझे बहुत मजा आया, अब एंड आई करते होप कि हैं। आपको भी अच्छा लगा हो बात करके नहीं सर। मेरे को, मैं आर्ट के लिए कभी बोर नहीं होता, मैं आई रियली एंजॉय इट। और जब आपने बोला था मुझे लग रहा था कि मुझे मतलब अभी तक क्या है, मेरे 3-4 हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं सोचा था कि कुछ ऐसा हो कि मैं सीरियसली आर्ट पे बात कर पाऊँ जो जगह नहीं बोल पाया हूँ या नहीं समझ पाया हूँ, और अच्छा है कि आपने मुझे बहुत मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नमस्कार टेक केयर नमस्कार। सर।